हाय, કેન યુ જસ્ટ સેન્ડ હાઈ ઓર હેલો? તમે હાઈ ઓર હેલો જસ્ટ ટાઈપ કરીને મોકલો તો મને ખબર પડે કેટલા લોકો લાઈવ અહીં જોઈન કરી ચૂક્યા છે. હેલો. જસ્ટ તમે હાઈ મોકલો ને એટલે મને ખબર પડે કે કેટલા લોકો જોઈન થઈ રહ્યા છે. તો એઝ સૂન એઝ વિલ ગેટ સર્ટેન અમાઉન્ટ ઓફ નંબર્સ ઓફ પીપલ જોઈનિંગ, તો વિલ સ્ટાર્ટ ધ સેશન રાઈટ નાઉ. સો આપણે અત્યારે 5 મિનિટ, વિલ વેઇટ ફોર 5 મિનિટ્સ. સો લેટ્સ ઇટ્સ 4:06 રાઈટ નાઉ, તો વિલ સ્ટાર્ટ અવર સેશન બાય 4:12 ઓર 4:15. હાઈ ઝિનબ, હાઈ ગીતા, હાઈ ગુડ્ડુ પ્રજાપતિ. So everyone is excited for the today's session. But excited so aaj na session ma tha. I am good Zinab, thank you so much. How are you? So we are waiting for the audience to join right now. So we'll be starting our session by 4:10 मे बी और 4:12. सो 4:12 तक हमारा सेशन स्टार्ट कर देते हैं. टिल देन वी आर वेटिंग फॉर ऑडियंस टू ज्वाइन एंड देन वी कैन स्टार्ट अवर होल सेशन. हाई एवरी वन, हाई आशा, हाई ठक्कर श्लोक, हाई जिनो, हाई गीता. हेलो तारू, हाय निशा, हाय नीपा. सो मुझे एक आइडिया दे सकते हो, लाइक इन विच लैंग्वेज, आपको कौन सी लैंग्वेज में ये पूरा सेशन चाहिए? हिंदी, इंग्लिश और गुजराती? जस्ट कमेंट डाउन बिलो. तो मुझे ऑडियंस कैसी है, वेदर दे आर प्रेफरिंग इंग्लिश, हिंदी और गुजराती. हाय एकता आंटी, हाय वनिता आंटी. ऑल राइट गुड, आई ट्राई टू मेक माई लेवल बेस्ट. मैं थोड़ा सा गुजराती में बोल पाऊँ क्योंकि हमारी ऑडियंस होगी वो पूरा वाइड हो गया, राइट? मतलब वी वुड बी हैविंग वर्सेटाइल ऑडियंस, जिनको गुजराती आता होगा, हिंदी नहीं आता होगा. मतलब आई नीड टू कंपाइल हिंदी, गुजराती एंड इंग्लिश एज वेल. सो या, इट्स 4:08, सो स्टिल वी आर वेटिंग फॉर अराउंड 2 or 3 मिनट्स मोर एंड देन विल स्टार्ट अवर सेशन. तरुण मिस्टर तरुण, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद. मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ. निशा, मैं गुजराती में बनाने, मतलब आई ट्राई टू स्पीक इन गुजराती. मैं गुजराती में बोला नू ट्राई करी जाइस, बिकॉज आपकी ऑडियंस बड़ी बहुत, लाइक कोई ने गुजराती नहीं खबर पड़ती, कोई ने हिंदी नहीं खबर पड़ती, कोई ने इंग्लिश नहीं खबर पड़ती. तो आई हूँ बधु कंपाइल कर मिक्स मर्ज कर आई ट्राई माई लेवल बेस्ट दैट हूँ आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हूँ लोगों ने जितलू इन्फॉर्मेटिव थी सकत हो एटू कर. सो एनी आइडिया, आपको कौन सी टाइप की फोटोग्राफी सीखनी है? यू हैव गॉट सम बेसिक आइडिया कि फूड फोटोग्राफी होता क्या है? वॉट टाइप ऑफ फोटोग्राफी डू यू वॉन्ट टू लर्न बाय मी? आप कमेंट डाउन इन द सेक्शन बिलो, सो आई कैन जस्ट ट्राई आउट माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ. हाई मेगा, हाई जिनो, या हाई शैली.
Yes, Meg, after a long time. I don't even remember when we did last match, so. वंशी का रेसिपी तो मैं अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट विद द फूड फोटोग्राफी. आप रेसिपी बनाने के बाद उसको आप कैसे कितना अच्छा लेवल तक आप दिखा सकते हो विद यूजिंग योर फोन ओनली. आप फोन से कितने अच्छे फोटोग्राफी यूज़ कर सकते हो. आई ट्राई मैं लेवल बेस्ट में उससे मतलब उसमें आप सो वेटिंग फॉर वन मोर मिनट फॉर वेलकम. हमारा सेशन स्टार्ट कर देंगे 4:11. सो सॉरी. या वंशिक आई ट्राई माई लेवल बेस्ट. मैं आपको बेसिक से लेके लाइक आई हेल्प यू आउट. मैं सब कुछ आपको ट्राई करूँगा कि आप थोड़ा सा समझ पाओ, आपका फूड फोटोग्राफी का जो स्किल है थोड़ा सा अच्छा हो जाए. सो एवरीवन इज एबल टू हियर माय वॉइस. सबको मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर? जस्ट कमेंट डाउन बिलो तो मुझे आइडिया आ जाए, और एल्स आई नीड टू चेंज सम सेटिंग्स, आई डोंट नो. सो एवरीवन इज एबल टू हियर मी. आप सब लोग मुझे देख सकते हैं? आई मीन आर यू एबल टू हियर मी प्रॉपरली? यस यस ऑल राइट. हाय नीलम, गुड आफ्टरनून. ऑल राइट, सो वील स्टार्ट अवर सेशन नाउ. इट्स 4:12. सो बेसिकली आई विल स्टार्ट विथ माई इंट्रोडक्शन. सो हाई एवरी वन, आई एम रौनक धौलकिया. मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ. सो आई एम अ होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट. आई हैव कम्प्लीटेड माई बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट इन 2016. एंड आई एम अ फूड पैशनेट ऑल लाइक यू ऑल. आप जितने फूड पैशनेट हैं मैं भी उतना ही पैशनेट हूँ. एंड मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ. एंड कुकिंग का पैशन मेरे लिए इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम वैन मैं 2 साल का था. वैन मैं बहुत ही छोटा था तब से मैं पूरियाँ बना रहा था. आई हैव गॉट सम पिक्चर्स एज वेल. एंड वहाँ से स्टार्ट हुआ एंड स्टिल इट्स गोइंग ऑन. एंड आई एम रियली सो हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दिस सेशन राइट नाउ. एंड वॉट एल्स आई एम डूइंग राइट नाउ इज एंड आई हैव माई ओन कैफे. अभी मेरा खुद का कैफे है अहमदाबाद में. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम रनिंग माई स्मॉल कस्टमाइज केक बेकरी बिजनेस. आई एम अ होम बेकर एज वेल. तो मैं केक्स भी बनाता हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन मैंने मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है. सो देर इज सो मच थिंग्स गोइंग ऑन एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द फूड. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट एंड दैट इज मोस्ट कॉमन पार्ट फ्रॉम अस एंड यू. सो या एंड या सो फूड फोटोग्राफी मेरे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है. बिकॉज इवन वैन आई हैव डन होटल मैनेजमेंट राइट, तो हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं. बहुत सारी, अगर आप फूड को अच्छे से क्लिक नहीं कर पाओगे तो आप जब पोस्ट करोगे तो वो सामने वाले इंसान को टेम्पटिंग नहीं लगेगा. एंड द फर्स्ट, ऐसा बोलते हैं ना दैट द फूड वी द फूड वी सी इज दैट वी ईट. मतलब आप देखते हैं तभी आपको पता चल जाता है कि फूड कितना टेम्पटिंग होने वाला है. एंड वी ईट विथ आर आइज फर्स्ट. सो या एंड दैट्स द वे वी डू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट ऑफ विद द बैकड्रॉप्स दैट आई विल बी यूजिंग. मैं बैकड्रॉप्स कौन से यूज़ करने वाला हूँ, मैंने बैकड्रॉप्स कैसे बनाए हैं, मैंने कहाँ से सोर्स किए, वो सब कुछ मैं बोलने वाला हूँ आपको. एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो आई विल गिव यू सम टाइम. मैं लास्ट में आपको बोलूँगा कि आप पूछ सकते हो. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप क्वेश्चन पूछना, क्योंकि अभी इफ आप मिड में बीच में पूछोगे तो मे बी आई वॉन्ट बी एबल टू गिव यू आंसर्स एज वेल. So let's start the session now. And yeah, so food photography है क्या? Basically food photography is a way in which you present your dish to the people in a 2D way. मतलब वो 2D way में food photography आप present करते हो लोगों को. If मैं यहाँ पे अभी pic लेता हूँ, picture लेता हूँ, मैं post करता हूँ insta पे या social media पे, तो वहाँ से जाके 10 और लोग या जितने आपके फ्रेंड्स फैमिली है सब लोग देखते हैं. तो दैट इज़ एंड उनको बहुत ही अच्छा लगता है. उनको फूड वो फोटो देख के बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग और डिलीशियस लगता है. दैट इज़ बेसिकली फूड फोटोग्राफी एंड वी आर गोइंग टू डू दैट नाउ. सो विल स्टार्ट ऑफ बेसिकली विद द क्रॉकरी एंड द कटलरीज दैट आई यूज़ दैट आई हैव
कलेक्टेड मैंने इतने टाइम से कलेक्ट की है जो मैं फूड फोटोग्राफी जिससे करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्रॉकरी कटलरी मेरी दिखा देता हूँ दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ। बेसिकली सारा इट इज़ समवॉट ऑफ द सिरामिक, समवॉट ऑफ द मेलेमाइन एंड समवॉट ऑफ द ग्लास। सो आप ट्राई करेगा फॉर द फूड फोटोग्राफी गो विद द बेसिक बेसिक कलर्स लाइक ब्लैक हो गया, वाइट हो गया। डोंट गो विद वेरी मच पैची और डिज़ाइन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन हो या कुछ पैटर्न्स हो, क्योंकि उसके अगर आपका प्लेट या प्लेटर जो भी बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन वाला होगा या पैची होगा या मतलब उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा थिंग्स देयर वुड बी गोइंग ऑन, तो आपका फूड है वो उभर के नहीं आएगा एंड जो प्रोडक्ट है हमारा जो दैट इज़ अ फूड तो वो हाईलाइट नहीं हो पाएगा। सो हियर इज़ माई क्रॉकरी कटलरी दैट आई यूज़। सो ऑल इज बेसिकली मेरे पास वुडन के तीन प्लेटर्स काइंड ऑफ थिंग इज दिस वन इज लाइक अ प्लेन रेक्टेंगल वुडन का प्लेट जैसा है दैट आई यूज़ फॉर द पास्ता, और मेरे पास ये उसके ऊपर कढ़ाई जैसा है। तो ये आप इसके अंदर पाव भाजी है, पास्ता है, कुछ भी इफ़ यू वॉन्ट टू सर्व दैट इज़ गोइंग टू बी हॉट, आप गर्म प्रेजेंट करना चाहते हो कि दैट इज़ आप उसको दिखाना चाहते हो कि ये गर्म होने वाला है, तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड सर्व इन दिस एंड लाइक दिस। तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव गॉट टू पिज्ज़ा प्लेटर्स, ये पिज्ज़ा प्लेटर्स इजिली मार्केट में मिल जाते हैं दैट इज़ टोटली वुडन। तो ये मेरे पास दो साइज़ में है एंड अगेन दिस इज़ रियली वेरी मच वर्सेटाइल, इसको मैं बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ करता हूँ। मैं इसके अंदर पिज्ज़ा सर्व कर सकता हूँ, सैंडविचेस सर्व कर सकता हूँ एंड अगेन मेरे पास अगर चॉपिंग बोर्ड नहीं है, आई डोंट हैव चॉपिंग बोर्ड, तो मेरे पास वुडन चॉपिंग बोर्ड नहीं है, तो मैं इसके ऊपर ये ऐसे उल्टा करके मैं इसको चॉपिंग बोर्ड की तरीके से भी यूज़ करता हूँ व्हेन आई यूज़ टू शूट माय वीडियोस और आई एम डूइंग अ फूड फोटोग्राफी। तो ये बैकड्रॉप बेस के तरीके से भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो मेरे पास ये बड़े बड़े वाले में भी ऑप्शन है, वन वन इज़ द स्मॉल एंड अनदर वन इज़ द लार्ज वन एंड अगेन सिरामिक्स। ये मैंने अभी बीच में मैं एग्जिबिशन में गया तो वहाँ से मैंने ये सिरामिक्स की कटोरियाँ उठाई थी। सो अगेन आप क्रॉकरी कटलरी आपको कहीं पे भी ज़्यादा अच्छी दिखती है, इफ़ यू आप अच्छा लगता है कि नहीं ये बहुत ही अच्छा लगेगा जब मैं फूड फोटोग्राफी करूँगा या करूँगी, तो आप डेफिनेटली उसे ले लीजिए, बिकॉज आपको तभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगा, बट आप जब फूड फोटोग्राफी करेंगे या जब फोटोज क्लिक करेंगे तब आपको जाके पता चलेगा नहीं काश मैंने वो। आई एम सो सॉरी, कुछ नेटवर्क इशू आ गया था। तो मेरे पास अभी ये सिरामिक का ये हो गया, मेरे पास एक प्लेटर भी है ब्लैक कलर की, अगेन ये प्लेन ब्लैक प्लेटर है, प्लेन कैनवास है एक्चुअली, आई सी माई प्लेट्स एज अ कैनवास। तो आप जितना न्यूट्रल कलर लेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके प्लेट्स प्लेटर्स के लिए। ये पूरा ब्लैक प्लेट है, इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा रस्टिक पैटर्न है आप देख सकते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। एंड अगेन सम सिरामिक बोल्स एज वेल, ये आप बिरयानी राइस के लिए यूज़ कर सकते हो, आप कोई पुलाव बना रहे हो किसी चीज़ के, पास्ता अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में पास्ता बनाओ तो ये इसको भी आप फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हो। आप इसको फोटोग्राफी में अगर यूज़ करते हो यू कैन गो विथ दिस ओनली, मतलब आपने ओपन रख दिया उसको ऐसे ढक्कन को बस हल्का सा ऐसे रख दिया, आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा हाईलाइट होगा बिकॉज ये आपका जो हांडी है दैट इज़ इन ब्लैक कलर, तो आपका प्रोडक्ट ऑब्वियसली हमारा फूड होता है दैट वुड बी समवॉट इन ग्रीन रेड येलो ग्रीन, मतलब बेसिक ब्राइट कलर्स में होता है दैट विल रियली पॉप आउट इन दिस हांडी। तो अगर आपके पास हांडी है तो दैट विल रियली वर्कआउट वेल इन पास्ता या तो फिर कोई भी राइस प्रिपरेशन होगा, सब्जी में भी बहुत ही अच्छा लगेगा ये। एंड अगेन मेरे पास ये दूसरा ये मेलेमाइन का पैन है छोटा सा, जिसके अंदर आई यूज़ टू प्रेफर टू सर्व सब्जी, इसके अंदर सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है सर्व करने में, और अगेन दिस इज़ ब्लैक कलर बिकॉज ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर। सो एंड ब्लैक कलर के अंदर सारा फूड होता है, मतलब इट डज पॉप आउट बहुत ही अच्छे से पॉप आउट होता है बिकॉज फूड हमेशा लाइटिश कलर का होता है, ब्लैक कलर का कोई भी फूड आइटम नहीं होता है, तो ब्लैक कलर में वो फूड आइटम डेफिनेटली पॉप अप होगा और बहुत ही हाईलाइट होकर आपका फूड बहुत ही अच्छा फोटोग्राफी में दिखेगा। एंड अगेन सम मोर सिरामिक प्लेट्स, अगेन दिस वन इज समवॉट इन द मस्टर्ड कलर,
दो मेरे पास वाइट कलर की है, अगेन प्लेन बेसिक कलर। अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा फाइन डाइनिंग वाला रेस्टोरेंट वाला मुझे कुछ प्लेट करना है इन विच द पोर्शन साइज इज़ रियली स्मॉल, जिसके अंदर पोर्शन साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो मैं बीच में रखूँगा और मे बी साइड्स में मैं सॉसेज या कुछ लगा दूंगा, तो इट वुड बी डेफिनेटली लुकिंग एज अ प्रोफेशनल शेफ काइंड ऑफ अ प्लेट। क्योंकि अगर मैं इसके अंदर, चलो मैं एक बात करूँ, आपको कॉर्न चीज़ बॉल्स ले रहे थे बेसिक, हम लोग एक पोर्शन के अंदर 3 या 4 कॉर्न चीज़ बॉल्स होते हैं, रादर वी गो विद ऑड नंबर, तो 3 कॉर्न चीज़ बॉल्स लेते हैं, तो हम लोग बीच में मे बी 3 कॉर्न चीज़ बॉल्स ले लेंगे जिस ब्लैंक कैनवास के अंदर, एंड अगेन दिस प्लेट इज़ रियली फ्लैट, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। सो दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट वाइट प्लेट फ्रॉम दिस। एंड अगेन आई हैव गॉट अ होल लॉट ऑफ बंच ऑफ बोल्स एज वेल, क्योंकि आई डू कलेक्ट अ लॉट ऑफ द क्रॉकरी एंड कटलरी। सो दिस वन इज अगेन द ब्लैक सिरामिक बोल, दिस ऑल आर द सिरामिक बेस्ड ओनली। सो यू कैन सी ये बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आपका कुछ इसके अंदर आप सैलड बहुत ही अच्छा दिख पाएगा, एंड बिकॉज इसके कलर्स टर्कोइश कलर का, इसके अंदर जो भी सैलड है या कुछ भी होगा तो बहुत ही ज़्यादा पॉप अप होके आएगा। अब ट्राई करिए बेसिक कलर लीजिए, ना ना कि ज़्यादा पैटर्न वाला हो। अगेन यहाँ पे इसकी ये वाले जो बाहर की साइड, इसके बहुत ही अच्छा पैटर्न है, तो अगर मैं इसको यहाँ से रखता हूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ से फोटो क्लिक करता हूँ, तो अगेन ये मेरा पैटर्न दिखेगा, हल्का बोल का टर्कोइश कलर दिखेगा, और अंदर जो सैलड या जो भी हमने रखा होगा वो भी दिखेगा। एंड अगेन ये सेम, दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट बोल, बिकॉज इसके अंदर बहुत ही अच्छा शेड आया हुआ है, इट इज़ आई डोंट नो पर्पल मरूनिश मस्टर्ड कलर का ये बोल है, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। एंड अगेन दिस इज़ माई अगेन पर्सनल फेवरेट, मैं इसके अंदर पास्ता वगैरह सर्व करता हूँ, एंड दिस इज़ रियली गुड कैनवास। अगेन ये ऑलिव ग्रीन कलर की प्लेट है, एंड दिस इज़ अगेन माई वेरी मच पर्सनल फेवरेट, बिकॉज ये एक सूप प्लेट है। इफ़ यू नो अबाउट द सूप प्लेट, तो सूप प्लेट जनरली बीच में से शैलो होता है, एंड अगेन वहाँ पे आप सूप या पास्ता या कुछ भी आप सॉसी ग्रेवी वाली चीज़ें रख सकते हो। दिस डज रियली गुड वर्कआउट फॉर मी, क्योंकि इसके अंदर अच्छा सा ब्लूइश कलर का टोन है, एंड अगेन मस्टर्ड कॉपरिश कलर की पैटर्न है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। एंड अगेन अगर आप मे बी मैंने जब फूड फोटोग्राफी स्टार्ट की थी, आई हैव स्टार्टेड एज अ बिगिनर ओनली, तो मैंने भी बेस से ही स्टार्ट किया था, तो मैं बेसिकली जुगाड़ ही करता था, क्योंकि घर में होते हैं, अगर आप प्रोफेशनल तो है नहीं हम, तो हम जुगाड़ करके ही फोटोज़ क्लिक करते थे। सो डू आई, मैंने भी वैसे ही जुगाड़ करके क्लिक किया था। तो मैंने कुछ जैसे ये फूड कोस्टर्स है, ये मैंने पता नहीं कहीं आबू से खरीदे थे, पूरे मार्बल के फूड कोस्टर्स हैं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं अगर आपके इसके ऊपर कपकेक्स है, या अगर आपको किसी हाइट, मतलब हाइट दिखानी है किसी चीज़ की, कपकेक्स इसके ऊपर रख सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर रख सकते हो आप, एज ए कोस्टर यूज़ कर सकते हो इसे, तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शंस है। और अगेन इफ़ यू नो अबाउट दिस, ये घर के सबके पास होती है, ये दिस इज़ द सॉसर, कप एंड सॉसर होता है चाय का, तो दिस इज़ रियली गुड एंड दिस डज वर्कआउट फॉर मी। ये अगेन सिरामिक का है, ये हल्का सा ग्लॉसी दिख रहा है बिकॉज वहाँ से मेरी इधर से लाइट आ रही है एक्चुअली, तो मेरे पास ये दो ऑप्शन में है। अगेन इफ़ यू कैन सी, ये दिस वन इज़ इन मार्बल टोन ब्लूविश का, एंड दिस वन इज़ इन द ग्रीन टोन। अगेन ये भी मैं बहुत यूज़ करता हूँ जब मुझे पेस्ट्री सर्व करनी होती है, या तो फिर हलवा सर्व करना होता है छोटे क्वांटिटी में, तो ये भी फूड फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास। ये लगता है कि ये यूज़ नहीं हो पाएगा, बट दिस डज वर्क आउट वंडर्स इन योर फोटोज, ये बहुत ही अच्छा लगता है जब आप फोटो क्लिक करोगे। एंड अगेन ये मेरे पास दूसरे कुछ कोस्टर्स है, ये हम बैकड्रॉप एज अ प्रॉप के तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर अच्छे से ये कुछ ड्रॉ किया हुआ है, ये बहुत ही अच्छे है। अगेन ये दिस आर वुडन, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है बैक एज अ प्रॉप इन योर फोटोज। एंड अगेन दिस आर सम मोर ब्लैक मेलामाइन बोल्स एंड ऑल। आप ट्राई करिए, आप जितना इन्वेस्ट कर पाए, जितना आप, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है फूड, मतलब बोल्स अच्छे लगते हैं, कहीं पे भी आपने देख लिया, आप ट्राई टू पिकअप फ्रॉम दैट, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि मुझे
जैसे मैंने यहाँ पे देख लिया, बट वो और कहीं भी चीज़ नहीं मिलेगी, तो आप ट्राई करिए, आप जहाँ पे भी देखते, अगर आपको वहाँ पे मिल जाए तो यू प्रेफरेबली गो एंड बाई दैट ओनली, बिकॉज दूसरी जगह पे होता है कि वहाँ पे अवेलेबल ना हो या वैसी चीज़ वहाँ पे और कहीं पे मिलती ना हो, तो वो चांसेस है। अगेन दिस इज़ रियली गुड सैलेड बोल, इसके अंदर सैलेड्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, अगेन बिकॉज दिस इज़ ए ब्लैक कलर बोल एंड ये थोड़ा सा कोरलिश इफेक्ट का, ये कोरल जैसा है, शंख के जैसा है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। एंड दिस इज़ माई फेवरेट फेवरेट बोट, व्हाट डू आई से, सूप, सॉरी, हाँ, बोट डिश। सो ये बहुत ही अच्छी बोट डिश है एंड इसके अंदर संडेज बहुत ही अच्छे लगते हैं, बिकॉज इसके अंदर डेप्थ इतनी नहीं है, तो आप नीचे जो चीज़ आप स्टफ करोगे, जो भी रखोगे, उसके ऊपर आइसक्रीम्स के स्कूप्स रखोगे, अगेन दैट विल लुक रियली गुड इन दिस बोट डिश एंड दैट्स ऑल। एंड अगेन ये थोड़े से, ये सबके घर पे होते हैं, आपने देखा हो तो, ये मुखवास के बॉक्स हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एज अ प्रॉप इन योर फोटोग्राफी, तो आप जस्ट इसको कॉर्नर में प्लेस कर दो के मुखवास बॉक्स को, तो बहुत ही अच्छा प्रॉप एज अ प्रॉप प्ले करेगा। अगेन ये दूसरा मुखवास बॉक्स है, हेक्सागॉन में है एंड दिस वन इज इन द ट्राइंगल स्क्वायर, तो ये दोनों भी बहुत ही हेल्पफुल हैं। एंड अगेन लास्ट में ग्लास वाला जो ऑप्शन है, ग्लास इज ऑफ कोर्स माय फेवरेट, बिकॉज इसके अंदर फूड ज़्यादा पॉप अप होता है। दिस इज़ अगेन अ रियली गुड बोल, मैंने कहीं से उठाया था, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बट दिस डज वर्क आउट वंडर्स, बिकॉज इसके अंदर आप ट्राइफल सर्व कर सकते, कोई भी पुडिंग बना रहे वो सर्व कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सर्व हो सकती है, जिसके अंदर आपको लेयर्स दिखाने हैं, यानी कि मैं अगर लेयर वाला पास्ता बनाता हूँ, लेयर वाली सब्जी बनाता हूँ, लेयर वाले डेजर्ट्स बनाता हूँ, तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसके अंदर हाईलाइट होगा। तो अगर आपके पास ऐसी कुछ चीज़ें हैं, देन आप रादर देन यूजिंग योर प्लेन बोल जिसके अंदर लेयर्स दिखने वाले आपको दिखाने हैं, तो आप रादर प्रेफर करें कि जो ग्लास की आइटम्स है, ग्लास की क्रॉकरी कटलरी आप उसके अंदर सर्व करें, तो आपकी लेयर्स ही वो अच्छे दिखेंगे। एंड दिस आर द बेसिक ग्लास, हाई बॉल ग्लास और कॉकटेल ग्लास आई से। सो दिस ऑल, दिस इज माई क्रॉकरी कटलरी कलेक्शन, ट्रेस आते सो अगेन दिस इज माई सो मच फेवरेट ट्रे है, ये नॉर्मल ट्रे है, पता नहीं कहाँ से लिया था मेरी मम्मी ने। सो ये बहुत ही अच्छा ड्यूअल वर्क करता है एज अ बेस, मैं ऐसे रख के भी मैं फोटोज क्लिक करता हूँ, बिकॉज इसके अंदर जो ये पैटर्न है, वो जो फोटोज हम क्लिक करेंगे तो दिस डस्ट, अभी देख रहे हैं आप कितना डार्क लग रहा है, तो पैटर्न पूरा हाईलाइट हो रहा है, तो इसके ऊपर मैं प्रोडक्ट, यानी कि मैं कुछ भी रख देता हूँ, जब मुझे 2 या 3 लेवल्स दिखाने होते हैं फोटोग्राफी में, तो मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, ये ट्रे यूज़ करता हूँ। अगेन मैं अगर इसको मैं उल्टा पलटा देता हूँ, तो इसके अंदर भी अगेन बहुत ही अच्छा पैटर्न है, तो दिस डज वर्क्स फॉर वर्क आउट वंडर्स फॉर मी। अगर आपके पास वुडन ट्रेज हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा यूज़ करेगी, अच्छा रहेगा। तो ये भी बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, आप प्लीज़ फूड फोटोग्राफी में, इफ़ यू आर यूजिंग ट्रेज, आप ट्रे यूज़ कर रहे हैं फूड फोटोग्राफी में, तो एक मिनट, आई एम सॉरी, तो आप प्लास्टिक की प्लेटर्स या प्लास्टिक की ट्रेज यूज़ ना करें जो बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी हो, बिकॉज अगर आप देख सकते मेरे फेस पे पूरा भी लाइट आ रहा है, एक लाइट सोर्स आ रहा है, ठीक है, तो वो जब प्लास्टिक का यूज़ होगा तो प्लास्टिक वाला ग्लॉसी नहीं हो, ग्लॉसी होता है वो, मैट फिनिश नहीं होता है, तो वो जनरली जब भी हम फोटो क्लिक करेंगे तो जो शाइनी एरिया है वो पूरा पॉपअप होएगा और आपका फोटो पूरा बिगड़ जाएगा। तो ट्राई करिए, आप जितना भी क्रॉकरी कटलरी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या जब जब भी आप ला रहे हैं, तो मैट फिनिश वाला हो, रादर देन वो आपका शाइनी होगा या प्लास्टिक जैसा दिखे, मतलब इट शुडेंट बी ग्लॉसी एट ऑल, जितना मैट फिनिश होगा आपका कटलरी क्रॉकरी तो उतना अच्छा रहेगा। तो दिस इज़ माई फेवरेट प्लेट अगेन, सो या दैट वॉज माई क्रॉकरी कटलरी कलेक्शन एंड आई होप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि आप कैसे कैसे चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली सब कुछ मेरे घर पे ही अवेलेबल था, मैंने कुछ चीज़ें ही बाहर से लाई है, एंड या दैट वॉज इट बेसिकली,
एंड विल स्टार्ट अप विद द बेसिक्स ऑफ द फूड फोटोग्राफी नाउ. अगर आपके पास नोट या पेन है तो आप लिख लीजिए, बिकॉज दिस वुड बी रियली हेल्पफुल टू यू. एंड ये आगे जाके आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा के लिए बेसिक जो बेसिक्स है फूड फोटोग्राफी के, तो आप ज़रूर लिख लीजिए इफ़ यू वॉन्ट टू, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. सो मैंने तो एक्चुअली नोट्स बना लिया बिकॉज आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस सेशन. सो इट विल बी रियली हेल्पफुल टू अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं. एक साइड, जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअली देर इज सम लाइटिंग इश्यूज इन माई रूम. सो चालू कर दो बिलियन चालू कर दो हमारा तड़को आई जैसे. तू एक बार करी ना. या आई एम बैक अगेन, आई एम सो सॉरी. सो पहले स्टार्ट करते हैं फूड फोटोग्राफी के बेसिक्स से. फूड फोटोग्राफी के बेसिक्स में ये होता है कि देर आर थ्री और फोर मेन इम्पॉर्टेंट फंडास जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. ऐसे ऐसे फॉलो बिकॉज उससे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपके फूड फोटोग्राफी के ऊपर. और दैट आर बेसिकली मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स. सो विल स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द लाइटिंग, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी फूड फोटोग्राफी में. अगर आप डार्क लाइट में फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे तो अच्छा नहीं आएगा. बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट में आप फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, फूड है बहुत ही ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो भी इतना अच्छा नहीं लगेगा. एंड आप ट्राई करिए, अगर आप आपके पास जो लाइट सोर्स हो, लाइट सोर्स यानी कि जहाँ से आपका लाइट आ रहा है, तो आप एक ही लाइट सोर्स यूज़ करें रादर देन यूजिंग जितने भी आपके घर के या रूम के दरवाजे हैं. तो वो ज़्यादा ओपन ना करें, सिर्फ एक ही विंडो है अभी मेरे पास. इफ़ यू कैन सी, आई विल शो इट टू यू. तो ये मेरे पास अभी एक ही विंडो मैंने ओपन की हुई है. यहाँ पे मैंने एक वाइट क्लॉथ लगा दिया है बिकॉज लाइट अभी बहुत ही ज़्यादा हार्श आ रही है. तो ये एक करना यहाँ पीन के कहीं मारो पसंद है कांच मारने का. तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही लाइट सोर्स यूज़ किया है. रीज़न बीइंग, अगर आपका लाइट सोर्स सिर्फ एक ही साइड से आ रहा होगा तो आपका फूड प्रोडक्ट है बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट होकर निकलेगा एंड उसके अंदर ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी फूड फोटोग्राफी में. एंड मेरे पीछे भी एक बाल विंडो है बट मैंने उसके पर्दे शट डाउन कर दिए बिकॉज मुझे सिर्फ एक ही लाइट सोर्स चाहिए जो मेरे अभी यहाँ आगे से आ रहा है. एंड या दैट इज़ वॉट बेसिकली लाइटिंग इज़ अबाउट. एंड अभी मैं फूड फोटोग्राफी आई डू प्रेफर यूजिंग द नेचुरल लाइट. नेचुरल लाइट में ज़्यादा फूड फोटोग्राफी अच्छी होती है. अगर आप आर्टिफिशियल यूज़ कर रहे हैं, ट्राई टू अवॉइड यूजिंग आर्टिफिशियल लाइट. आप ट्राई करें जितना नेचुरल लाइट, यानी कि द बेस्ट लाइट दैट इज़ अवेलेबल फॉर फूड फोटोग्राफी इज़ अनटिल 5 or 6 o'clock. अगर समर्स है तो 6 o'clock तक बहुत ही अच्छी लाइट आती है. एंड आप वो नेचुरल लाइट जितना यूज़ करेंगे उतना बहुत ही अच्छा फोटो आएगा आपका. आई एम सो सॉरी आई एम नॉट एबल टू गिव यू द आंसर्स राइट नाउ ऑफ योर क्वेश्चंस. आप थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, आप सब लास्ट में क्वेश्चंस पूछेगा, मैं सबके आंसर्स दे दूंगा. पहले मैं पूरा सेशंस कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि एक लिंक ब्रेक ना हो जाए. आई एम सो सॉरी, मैं लास्ट में आपको सबके आंसर्स दे दूंगा सारे क्वेश्चंस के आपके. सो बेसिकली लाइट का यही फंडा है. अगर लाइट का सिर्फ वट आई फॉलो इज़ लाइट का सिर्फ एक ही मेन लाइट सोर्स हो जो मेरा अभी यहाँ से आ रहा है. एंड वट आई डू इज आई हैव सो अगेन दिस इज अ रियली गुड टेक्निक. तो ये वॉट विल दिस हेल्प इन, ये हमको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर इफ़ यू कैन मेक इट आउट. तो ये बेसिकली एक थर्मोकॉल की शीट है और इसके ऊपर मैंने फॉइल लगा दिया है जो नॉर्मल घर का हम लोग खाने के लिए फॉइल यूज़ करते हैं. तो बस उसके ऊपर मैंने सिर्फ फॉइल की एक शीट लगाई हुई है. भी ये कैसे हेल्प होगा, तो अगर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. आप देख सकते हो अगर मैंने ये ले लिया तो यहाँ पे अंधेरा है, बट अगर मैं ये ला रहा हूँ तो
यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा और वो बाउंस बैक होगा यहाँ पे, देख सकते हो आप, लाइट यहाँ पे वापस आ गया। तो ये आपका जो प्रोडक्ट है वो इसके ऊपर इवन लाइट आएगा, भले आपका लाइट सोर्स एक ही है बट आपका जो प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे अगर मैंने ये ग्लास रख दिया तो ये ग्लास है, इसके ऊपर लाइट देख लो आप इवन आ रही है, अगर मैं ये हटा दे रहा हूँ तो यहाँ पे अंधेरा हो गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगेन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रूम में बहुत ही ज़्यादा लाइट आ रही है, पर्दे नहीं है आपके रूम में या कहीं पे, तो अगेन आप दूसरा क्या यूज़ कर सकते हो, द सेम वे आप यहाँ पे मैंने फॉइल लगाया है, आप इसकी जगह पे ब्लैक चार्ट पेपर लगा सकते हो। तो ब्लैक चार्ट पेपर से होगा क्या कि जो पीछे वाली साइड है जहाँ से आपका एक्सेस लाइट आ रहा है, जहाँ से आपको लाइट सोर्स नहीं चाहिए, तो वो आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हो, उसको बंद कर सकते हो। और दूसरी साइड अगेन ये मेरे पास वाइट वाली साइड है, तो अगेन ये भी बहुत ही अच्छा लाइट एब्जॉर्ब करता है ये अभी, और लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है वाइट कलर, सिर्फ ब्लैक कलर होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ब्लैक कलर आप तभी यूज़ करें, इसको रिफ्लेक्टर्स बोलते हैं ज़्यादातर एक टर्म में जो फूड फोटोग्राफर्स यानी कि फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ अ रिफ्लेक्टर, तो मैं ब्लैक रिफ्लेक्टर तभी यूज़ करूँगा जब मुझे लाइट सोर्स को स्टॉप करना है या ज़्यादा लाइट सोर्स चाहिए नहीं, मुझे उसको बंद करना है लाइट सोर्स को, तब मैं ब्लैक लगाऊंगा। और एल्स मैं इधर ये वाला यूज़ करूँगा, और एल्स मैं ये फॉइल वाली साइड है ये वाली साइड ज़्यादातर मैं ये ही यूज़ करता हूँ, बिकॉज दिस डज वंडर्स टू माई फोटोग्राफी, बहुत ही अच्छा लाइट दे देता है। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा लाइट आ रहा है, यहाँ पे अंधेरा था पहले तो वो भी कवर अप हो गया। तो यू कैन डेफिनेटली मेक दिस, ये बहुत ही इजीली बन जाता है एंड इट इज़ जस्ट 2 और 5 मिनट्स का टाइम ये लेगा बनने में, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप ये भी बना सकते हैं, दिस डज वंडर्स टू योर फूड फोटोग्राफी। आई नो ये बहुत बड़ा है बट थोड़ा सा तो करना पड़ेगा यार अच्छा फोटो क्लिक करने के लिए। तो हमारा मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था लाइट, हमने वो कवर कर लिया है। अगेन इफ यू वॉन्ट टू आस्क सम क्वेश्चन आप लास्ट में पूछ लेना, मैं आपको लास्ट में सारे आंसर्स दे दूंगा। द सेकेंड मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फूड फोटोग्राफी इज दिस बैकड्रॉप, और आपका जो बैकग्राउंड बैकग्राउंड होगा वो है, बिकॉज अगर आपका फूड फोटोग्राफी अच्छे बैकड्रॉप पे नहीं होगा तो आपका फूड का फोटो बहुत ही गंदा आएगा, बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं लगेगा और बिल्कुल भी टेम्पटिंग भी नहीं लगेगा। ऋषभ तो मेरे पास ये कुछ चेरीज है जो मैं अभी लेके आया था, सो पहले मैं अपने पहले बैकड्रॉप्स दिखा देता हूँ जो मैंने कलेक्ट किए हुए हैं, जो मैंने बनाए एक्चुअली मैंने ये मैंने बेसिक चार्ट पेपर से ही बनाए। अगेन दिस इज अगेन 5 और 10 मिनट क्राफ्ट, ये आप घर पे बहुत ही इजीली बना सकते हैं, और मैंने भी इजीली बनाए 10 मिनट में। ये वाला जो बैकड्रॉप है ये बन गया था, बहुत ही अच्छा रस्टिक बैकड्रॉप है, आप देख सकते हैं इफ यू कैन सी। तो ये बेसिकली मैंने सिर्फ ब्लैक ब्लैक ब्राउन और मस्टर्ड कलर का एक्रेलिक कलर्स आते हैं स्टेशनरी शॉप में, कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा आपको, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। हल्के हल्के मैंने डॉट्स लगा दिए सब जगह पे, और उसको मैंने ब्रश स्ट्रोक्स लगा दिए और कुछ नहीं किया, जितना आप रफली करेंगे तो ये उतना ही अच्छा और रस्टिक दिखेगा। एंड ये आप अपने छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं ये क्राफ्ट करने के लिए, बिकॉज उनसे भी बहुत ही अच्छा बनेगा, बिकॉज यू डोंट नीड टू परफेक्ट इट, इसमें परफेक्शन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, ये आप डेफिनेटली बनाए। एंड दिस इज़ प्रीटी मच बेसिक बैकड्रॉप, क्योंकि ये वाला बैकड्रॉप है इसके अंदर मैं ऑलमोस्ट सारे फूड के फोटोज़ में क्लिक कर सकता हूँ, बिकॉज अगेन इट इज़ इन डार्कर शेड एंड थोड़ा सा वुडिश इफेक्ट भी है इसके अंदर, वुड जैसा इफेक्ट आ रहा है, तो दिस इज़ अगेन रियली हेल्पफुल फॉर द इफेक्टिव फोटोग्राफी। अगेन मैंने इसका सिर्फ ब्लैक ही रखा है बैक पीछे वाली साइड, आप पीछे वाली साइड भी कोई दूसरा कलर लगा के यूज़ कर सकते हैं, दूसरा टेक्सचर बना सकते हैं। अगेन दिस वन इज़ रियली गुड डार्क ब्लू कलर, इफ़ यू कैन सी ये डार्क ब्लू कलर का है, इसके अंदर हल्के हल्के लाइट ब्लू कलर के स्ट्रोक्स लगे हुए हैं, दिस डज वंडर्स अगेन, ये बहुत ही अच्छा लगता है जब आप किसी कॉकटेल या मॉकटेल्स या फिर कपकेक्स का वीडियो शूट कर रहे हैं, बिकॉज
उसके अंदर आपके कलर्स जो होते हैं ज़्यादा पॉपअप होते हैं. अगेन दिस वन इज़ रियली डार्क कलर ब्लूश टोन में है. दिस डज अगेन हेल्प यू आउट फॉर दैट कॉकटेल और मॉकटेल का फोटोग्राफी एज वेल. एंड इसके पीछे वाली साइड मैंने ये दूसरा टर्कोइश कलर का बनाया है. अगेन इट इज़ लाइक अ स्काई वाटरिश कलर, तो दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड. तो अभी मेरे पास ये तीन बैकड्रॉप तो मैंने दो चार्ट पर पेपर में ही बना लिए. अगेन दूसरे मेरे पास द थिंग दैट आई यूज इज रियली हैज बीन हेल्पफुल टू मी बिकॉज आई वाज एबल टू मैंने मेरे फ्रेंड के घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उसके घर पे कुछ टाइल्स रह गई थी, तो मैंने वो टाइल्स ले ली थी बिकॉज द टाइल्स का टेक्स्चर था वो बहुत ही अच्छा था. तो मैं वो टाइल्स भी आपको एक बार दिखा देता हूँ. सो अगेन आप ये देख सकते हैं, आई डाउट दिस इज रियली रस्टिक वन. ये भी बहुत ही अच्छा है. ये सिर्फ बेसिक टाइल्स है जो मैंने मेरे फ्रेंड के घर पे से ले ली थी. अगर आपके कोई भी रिलेटिव या किसी घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है, तो आप ये ले सकते हैं. ये मेरे पास बहुत टाइम्स है एंड दिस हैज बीन हेल्पफुल टू मी अ लॉट. फिर ये दूसरी अगेन ये उससे लाइटर शेड में है थोड़ी सी. ये साइड से टूट गई है बट ये इतना कुछ मैटर नहीं करता बिकॉज ये कुछ आने नहीं वाला है फोटो में. एंड दिस वन इज़ द वुडन वन. ये भी मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है. तो दिस वन इज़ द थ्री टाइल दैट इज़ 2x2 मतलब 2 फुट बाई 2 फुट की ये टाइल्स है. अगेन मेरे पास ये तीसरी भी है दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ. ये अगेन पूरा ग्रे स्टोन का है, इसके अंदर वाइट कलर के स्पैक्स है कहीं पर. तो ये भी बहुत ही अच्छा लगता है आपकी कोई भी फूड फोटोग्राफी के अंदर. इसके ऊपर आप कुछ भी शूट कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये सिर्फ बेरीज रख रहा हूँ मैं, पीछे अच्छा सा बैकड्रॉप रख दूंगा तो भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा. शोरूम तो नथी बट आई हैव कलेक्टेड इट अ लॉट एंड दैट हैज़ हेल्प मी आउट अ लॉट जानकी. सो इट इज़ रियली अ गुड इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ अ थिंग फॉर मी. या सो दूसरा टॉपिक हमारा कवर हो गया बैकड्रॉप का. अगेन आई हैव बीन यूजिंग, मेरे पास मेरे घर पर भी अगर वो चला फर्नीचर का काम चला था, तो मेरे पास लॉग्स भी थे जो फर्नीचर के बच जाते इतने अराउंड 4-4 इंच के, इतने लंबे लंबे 2x2 फुट के इतने लंबी लंबी लकड़ियाँ भी होती हैं, तो वो भी आप एक साथ स्टैक करके यूज़ कर सकते हैं. अगेन वो उसका भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा, वो पूरा एक्चुअल वुडन होगा, तो अगेन दैट वुड बी रियली गुड इन योर पिक्चर्स. एंड हमारा अभी दूसरा टॉपिक जो है अबाउट द बैकड्रॉप दैट वी आर यूजिंग इन फूड फोटोग्राफी वो कवर हो गया है. एंड द थर्ड थिंग इज़ द राइट यूज़ ऑफ क्रॉकरी एंड द कटलरी फॉर योर फूड. आप कौन सी क्रॉकरी और कौन सी कटलरी के अंदर कौन सा फूड आप ज़्यादा सर्व करेंगे तो वो अच्छा दिखेगा, वो हाईलाइट होके आएगा. या सो अभी हम बात कर रहे हैं कौन सा फूड आप कौन सी कटलरी या क्रॉकरी के अंदर आप सर्व कर सकते हैं. तो मैंने अभी पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया, जब मैं ये सारे क्रॉकरी कटलरी को इंट्रोड्यूस कर रहा था, तो आप कौन सा फूड आइटम किसके अंदर सर्व कर सकते हैं, आप मैंने बेसिक आइडिया तो दे दिया. अब थोड़ा और डिटेल्स में जाते हैं. तो ये अगेन एक बोल है, डेप्थ वाला है, आप इसके अंदर कौन सा फूड सर्व कर पाएंगे. इसके अंदर आप ऐसी चीज़ सर्व करें जिसके अंदर आपका एक ढेर बन पाए. अगर मैं इसके अंदर राइस सर्व करूँगा फ्लैट तो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल, बट अगर मैं इसके अंदर राइस को मैं पूरा भर के एक ढेर जैसा बना दूंगा तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा. बिकॉज अगेन इसके हाईलाइट कलर इसका पॉपअप होगा एंड ये साइड्स या इसकी ये भी पॉपअप होगी.
एंड अगेन व्हाट ट्रिक आई डू टू मेक माई, मैं क्या ट्रिक यूज करता हूँ जिससे मेरा बोल पूरा भरा हुआ लगे बट उसके अंदर कम राइस जाए। जनरली होता है कि मैं थोड़ा सा एक पोर्शन ही राइस बनाया बट मुझे बड़े वाले बोल में सर्व करना है, बट वो बड़े वाले बोल में मैंने एक पोर्शन बनाया वो आधा ही आएगा, तो वो हीप या वो ढेर जैसा कैसे बनाए। तो वट आई डू जनरली इज, मैं इसके अंदर ये, इससे एक साइज छोटी कटोरी है तो मैंने इसके अंदर कटोरी रख दिया ऐसे, इफ यू कैन सी राइट। अभी इसके ऊपर मैं राइस डालूंगा तो मेरा आधा काम तो कटोरी ने कर दिया कि मेरा आधा से ज्यादा जगह कटोरी ने ले ली। तो अभी भले मैंने एक पोर्शन बनाया राइस, थोड़ा सा कम बनाया मेरा राइस, बट वो ढेर जो बनेगा राइस का बहुत ही अच्छा लगेगा। और जब एट द एंड आप फोटो क्लिक करोगे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर राइस कितने रखे हुए थे और कितने कम थे, आपने एक का पोर्शन कम बनाया था या ज्यादा बनाया था। तो दिस इज अगेन अ रियली गुड ट्रिक, आप पास्ता के अंदर भी ये यूज कर सकते हो। पास्ता के लिए मैं बोलूँ तो अगर पास्ता तो जनरली वी आर गोइंग टू सर्व इन दिस प्लेट्स, प्लेट्स होती है तो उसके अंदर सर्व करते हैं। तो पास्ता के लिए भी अगेन यू कैन यूज द सेम ट्रिक, प्लेट रख दीजिए उसके अंदर बीच में बोल रख दीजिए। तो इससे होगा क्या कि आपके पास्ता को एक हाइट मिल जाएगी। अगर आपका पास्ता या कुछ भी फूड है वो फ्लैट होगा तो इतना आई अपीलिंग और इतना टेम्पटिंग नहीं लगेगा जितना कि जो आपका फूड है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाइट है, टेक्स्चर है, कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं उसके अंदर कि क्या क्या चीज़ यूज हुआ है उसके अंदर। तो आप ये टेक्निक डेफिनेटली यूज करिए। आई नो थोड़ा सा फालतू जैसा लग रहा है बट दिस इज रियली हेल्पफुल, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आपका जो फूड है बहुत ही ज़्यादा हैवी लगेगा। एंड या मैं आपको विजय विजयाती या आई मैं ट्राई करता हूँ, मैं नॉर्मल जो यूटेंसिल्स है उसके अंदर भी मैं बोल पाऊँ। आप ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। सो अभी मैं आई डोंट, मतलब मैं इतनी ज़्यादा नॉर्मल यूटेंसिल्स में तो फोटोग्राफी नहीं करता बिकॉज इतना आई अपीलिंग नहीं रखता, इतना टेम्पटिंग भी नहीं लगता है। तो जनरली आई यूज दिस क्रॉकरी ओनली, बट इफ यू से अबाउट दिस, ये कासे की प्लेट है एंड अगेन दिस इज़ अ कटोरी, तो ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगेन टूडे वी आर यूजिंग दिस, मैं एक आपको फोटो इसके अंदर भी क्लिक करके दिखाने वाला हूँ तो आप देखिएगा मैं इसको ये कैसे, कौन से एंगल से मैं फ़ोटो क्लिक करने वाला हूँ, तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा कि कौन सी इसको आप कैसे यूज़ कर पाएंगे। आप नॉर्मल यूटेंसिल्स की बात कर रहे थे। अगेन दिस प्लेट, इसके अंदर आप कोई भी सब्जी, आप दाल चावल बना रहे, राजमा चावल बना रहे, आप कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे, आप शाम सवेरा ग्रेवी सब्जी बना रहे जिसके अंदर दो या तीन शेड्स आपको दिखाने हैं, तो आप डेफिनेटली ये प्लेट ले सकते हैं। बिकॉज इसके अंदर एक तो ये पहले अंदर खड्डा जैसा है, इसके अंदर आपकी सब्जी अच्छी खासी क्वांटिटी में आ जाएगी और आप आराम से इसके अंदर जो आपके कोफ्ते पनीर है कुछ भी आपको रखना है तो अच्छे से प्लेस भी कर पाओगे। तो ये भी बहुत ही अच्छा ज़्यादा ऑप्शन है। अच्छा एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दिस बोल, अगर आपके पास ऐसा बोल भी है, चलो नॉर्मल यूटेंसिल्स की बात करते हैं, इससे एक साइज बड़ा है, दो साइज बड़ा भी बोल है, तो आप वो भी इसके अंदर सेम टेक्निक आप यूज कर सकते हो बिकॉज इसके अंदर अच्छी खासी डेप्थ है। तो इसके अंदर आप सब्जी भी डाल सकते हो, दो पार्टीशन भी कर सकते हो। राजमा चावल है तो आप नॉर्मल वे में राजमा चावल ना प्रेजेंट करें, इसके अंदर सर्व करें। आप आधे पोर्शन में राजमा डाल दें, आधे पोर्शन में चावल डाल दें, तो वो भी बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लगेगा, समझ। अगर आप इसको भी आप राइस एंड राजमा डालें तो इसको आप पूरा फ्लैट ना रखें, हल्का सा ओवर ज्यादा डाले ताकि वो आई अपीलिंग लगे, टेम्पटिंग लगे। तो ये भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अभी अगर बात करें हम डेजर्ट्स की, तो ज्यादातर डेजर्ट्स में आप आई प्रेफर एंड आई शुड रेकमेंड, मैं आपको रेकमेंड भी करूंगा कि आप ग्लासवेयर ही यूज करें बिकॉज डेजर्ट्स में जनरली आपको लेयर्स दिखाने होते हैं, आपको टेक्स्चर्स दिखाने होते हैं, आपको दिखाना होता है कि इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए। अगर मैं आपको बात करूँ स्ट्रॉबेरी मूस की, तो मुझे अगर मैं स्ट्रॉबेरी मूस बना रहा हूँ तो मैं शायद तक इसके अंदर केक का एक स्पॉन्ज का लेयर डालूंगा, फिर उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी का मूस का लेयर डालूंगा, एक उसके ऊपर मैं फ्रेश स्ट्रॉबेरीज डाल दूँ। अगर मैं वही सेम चीज़ मैं ये बोल के अंदर डालूंगा या तो फिर ये प्लेट के अंदर या ये वाली प्लेट के अंदर डालूंगा तो वो लेयर्स दिखने नहीं वाले, और इतनी जो हमने मेहनत की है इसको लेयर्स करने में वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहेगी, वो मतलब बिना काम की वो मेहनत होगी।
तो आई प्रेफर, मैं आपको रेकमेंड भी करूँगा कि अगर आपके पास ग्लास वेयर है तो आप ग्लास वेयर ही यूज़ करें. अब आप आई इट 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 डजेंट मैटर कि आपके पास कौन से शेप का ग्लास है. ग्लास अपन एक आप अपने पहला वाला, ये वाला तो मेरे पास लकीली मिल गया था, मुझे कहीं से पीना ना चाय वाला, बट ये भी इसके अंदर भी बहुत ही अच्छा लगता है. अगर आप अहमदाबाद से हो तो यू कैन गो एंड विजिट नेशनल हैंडलूम. तो नेशनल हैंडलूम में ऐसे ऐसे अलग अलग शेप्स के मिल जाते हैं. एंड अगेन दिस इज़ रियली चीप, ये मुझे 30 या 40 रुपीज़ का मिला था, बट दिस इज़ रियली हेल्पफुल टू मी. एंड अगेन दिस इज़ अ शॉर्ट ग्लास, चाय कटिंग चाय वाला ग्लास है. इसके अंदर भी बहुत ही अच्छे डेजर्ट्स लगते हैं. इसके अंदर आप स्टार्टर्स भी सर्व कर सकते हैं. आप कोई भी स्टार्टर्स ले लीजिए, आप मोज़रेला स्टिक्स ले रहे हैं, चीज़ स्टिक्स ले रहे हैं, आप पकौड़े ले रहे हैं, मिर्ची के पकौड़े, तो आप नीचे चटनी डाल सकते हैं, वो भी इसके अंदर डाल के सर्व कर सकते हैं. वो भी बहुत ही अच्छा फोटो आएगा इसका. एंड दिस इज़ अगेन अ नॉर्मल स्टैंडर्ड ग्लास. सो आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि कौन सी क्रॉकरी के लिए, कौन सी फूड आइटम के लिए, कौन सी कटलरी या क्रॉकरी यूज़ कर रहे हैं आप. I hope this was helpful and we are going to our next topic, that is food photography का angle. आप कौन से food photography में कौन सा angle आप select कर पाएंगे ताकि आपका जो food का photo है वो ज़्यादा उभर के आएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा. सो अभी हम बात कर रहे हैं फूड फोटोग्राफी के एंगल्स की, आप कौन से एंगल के अंदर फूड फोटोग्राफी का अच्छा, फूड फोटोग्राफी के लिए कौन से बेसिक अच्छे वाले एंगल्स है जो शूट कर सकते. अभी एंगल्स क्या होता है कि जहाँ से अब हम फोन पकड़ते हैं, अभी आप देख रहे हो तो मेरा आई एम टॉकिंग ऑन 90 डिग्री एंगल, मैं आपको फेस टू फेस बात कर रहा हूँ. अगर मैं इसको थोड़ा सा बेंड कर दूंगा तो ये 45 हो जाएगा. अगर मैं पूरा फ्लैट कर दूंगा तो दैट वुड बी एन ओवरहेड फोटोग्राफी. मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फ्री हैंड करके, तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल टू यू. सो अभी हम बात कर रहे हैं फूड फोटोग्राफी के एंगल्स की. एक मिनट, मैं यहाँ पे पहले बैकड्रॉप लगा देता हूँ तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको, थोड़ा और ज़्यादा विजुलाइज करने में हेल्पफुल रहेगा, अच्छा लगेगा. वुडन वालू रहेगा. जस्ट ए मिनट. हाँ सो यहाँ पे भी हम लोग जुगाड़ यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सेलो टेप लगा रहे हैं, तो हम बहुत बड़े जुगाड़ी हैं. या तो हमारा बैकड्रॉप लग गया है, तो अभी हम फूड फोटोग्राफी की एंगल्स की बात कर लेते हैं. तो बेसिकली फूड फोटोग्राफी के अंदर तीन एंगल्स यूज होते हैं. तो पहले बात कर लेते हैं ओवरहेड फोटोग्राफी. तो ओवरहेड फोटोग्राफी क्या होता है, तो यहाँ पे अगर आप ये वाली एंगल से फोटो लेते हैं, तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी अंधेरा आ रहा है, मैं यहाँ पे रिफ्लेक्टर यूज कर रहा हूँ तो फोटो बहुत ही अच्छा आएगा. देखो यहाँ पे लाइट आ गई. ओके, सो दिस इज द ओवरहेड फोटोग्राफी. अगर मैं यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इतना अच्छा सा फ्रेम बन रहा है, तो आप ओवरहेड फोटोग्राफी किस प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हैं. तो ओवरहेड फोटोग्राफी आप जनरली उन चीज़ के लिए यूज़ करें जहाँ पे आपको हाइट नहीं दिखानी, जहाँ पे आपका फूड का जो हाइट है वो नहीं. अगर आप मैं बात करूँ पिज्ज़ा की, तो पिज्ज़ा फ्लैट होता है.
आलू पराठा या पराठा, तो वो सब कुछ फ्लैट होता है, तो वहाँ पे आपको हाइट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से आप ऊपर से टॉप व्यू यानी कि हेड ऑन ऊपर टॉप हेड ऑन फोटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड अगर आपको पूरी स्टोरी दिखानी, स्टोरी यानी कि अगर मैं बात करूँ, मैंने कपकेक्स बनाई या मैंने बिस्किट्स बनाई, तो मैं यहाँ पे स्टोरी में ऐसे क्या मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने पूरा लेआउट किया। मैं यहाँ पे बेक्ड कुकीज़ बनाई जानी यानी कि मैंने नान कटाई बनाई है। तो नान कटाई के लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने जो बेक ट्री जिसके अंदर नान कटाई बेक होके आई है वो मैं एक साइड में रखूँगा, जो कूलिंग रैक है मेरा, जो कूलिंग रैक आता है ओवन के अंदर, वो एक साइड में रखूँगा, और जो मेरी ट्रे है यानी कि प्लेट है जहाँ से मैं नान कटाई के बॉल बना रहा हूँ जो अभी कुक नहीं हुई है वो रखूँगा, उसका मैं टॉप हेड से फोटोग्राफी का व्यू मतलब फोटो ले लूँगा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि उसके अंदर पूरा एक स्टोरी हो रहा है कि यहाँ पे पहले मैंने आपका इधर एक बॉल बनाया यहाँ पे, फिर उसको ट्रे के अंदर रखा, और उसके बाद वो बेक होके कूलिंग रैक के ऊपर आ गया, तो बहुत ही अच्छे एक फ्रेम बनेगा, अच्छा सा स्टोरी टेल हो रहा है। तो वहाँ पे वहाँ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको एक थोड़ा सा स्टोरी दिखाना है कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे होता है, या तो फिर आपको कोई थीम दिखानी है, तो आप ज़्यादातर ओवर हेड फोटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं एज पर माई ओपिनियन। एंड अगर आप इफ़ आई से अब अगेन आप द थीम, आप खाने की थीम भी देख सकते हैं। अगर आज मैंने बनाया मालपुआ, तो मालपुआ अगेन इज़ एन इंडियन इंडियन डिज़र्ट, तो आप पूरा जो बैकड्रॉप है, बैकड्रॉप तो आप सेम रख सकते हैं एक्चुअली, जो प्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉप्स आप थोड़े से इंडियनाइज रखें ना, मॉडर्न ना करें। आप यूटेंसिल्स जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो कांसे की प्लेट थी जो वो कितनी अच्छी लग रही थी, वो आप इंडियन फूड या उसको आप जब शोकेस करें आप उसमें यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा एक दिखेगा। एंड अगेन आपकी एक स्टोरी भी टेल हो रही है कि दिस इज़ एन इंडियन फूड अगेन सर्व्ड इन एन इंडियन प्लेटर एंड अगेन इन द इंडियन बैकग्राउंड एज वेल, क्योंकि मैंने प्रॉप्स भी अगेन इंडियन लगाए हुए, ना कि मैंने फैंसी वेस्टर्न प्रॉप्स लगाए हुए। तो दैट वॉज द ओवर हेड फोटोग्राफी। अगेन आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ लिटिल बिट, मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ एन ओवर हेड फोटोग्राफी जहाँ पे मैं ऊपर से फोटो ले रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट यानी कि जो फूड है वो यहाँ पे ऐसे फ्लैट ले हुआ हुआ है, एंड दिस इज़ द फ्लैट ओवर हेड फोटोग्राफी। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड फूड फोटोग्राफी का एंगल, दैट इज़ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इज़ बेसिकली द आई व्यू, जिससे हम देखते हैं, हम जो आईज हमको जैसे फूड दिखता है वो 45 डिग्री एंगल होता है अगेन। सो दिस इज आवर 45 डिग्री एंगल का व्यू, आप देख सकते हैं। तो दिस इज हम लोग आँख से भी देखते हैं, जब हम नॉर्मली भी कोई भी चीज़ को देखते हैं हम लोग इस एंगल से देखते हैं। तो अभी आप बैठे होंगे तो आपको भी शायद तक इस एंगल से दिख रहा होगा। तो दिस इज द 45 डिग्री एंगल व्यू। अगर मैं अभी बात करूँ ये कौन सी फूड आइटम के अंदर यूज होगा, तो ये आप उस चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको आपके फूड के अंदर थोड़ी सी हाइट है। मैं बात करूं अगर कपकेक्स की, तो कपकेक्स के अंदर हाइट होती है, मुझे कपकेक्स के टॉपिंग दिखाने, मुझे उसका लाइनर दिखाना है, जो कपकेक लाइनर है वो दिखाना है कि आप कौन सा मैंने यूज़ किया है, तो आप डेफिनेटली 45 एंगल यूज़ करते हैं। 45 डिग्री एंगल इज रियली वर्सेटाइल एंगल, आप ऑलमोस्ट सारी फोटोज 45 डिग्री में यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि 45 डिग्री एंगल इज़ द एंगल जहाँ से हम आँख से देखते हैं, तो हमको बहुत ही ज़्यादा आई अपीलिंग लगेगा। बस हमको इसमें ध्यान रखना है कि आपका बैकड्रॉप अच्छा होना चाहिए, आपने जो प्रॉप्स यूज़ किए वो इतने अच्छे होने चाहिए, तो आपका फोटो होगा वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये हो गया 45 डिग्री। एंड अगेन अभी जो थर्ड, अगेन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ 45 डिग्री क्या है। सो दिस इज द 45 डिग्री। मैंने यहाँ पे फ़ोन क्रॉस में रखा हुआ है, ये फ़ोन मैंने क्रॉस में रखा हुआ है, देख सकते हैं। तो दिस इज़ द 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री की बात करें तो जो मैं आँख से देख रहा हूँ दैट इज़ द 45 डिग्री, एंड द लास्ट वन इज़ द 90 डिग्री, या तो फिर स्ट्रेट ऑन शॉर्ट बोलते हैं इसको, स्ट्रेट यानी कि दिस वे। अपने ग्लास सो स्ट्रेट ऑन हम लोग फोटोग्राफी कब यूज़ करेंगे, जब हमको ग्लासेस यूज़ करने हैं या जब हमको लेयर्स दिखाने हैं। अगर मैं इसके अंदर अगर मैं इसकी बात करूं, तो अभी इसके अंदर मैंने होगा कुछ भी होगा, शेक होगा, ब्राउनी होगा, स्मूदी होगा, कुछ भी होगा, अगर मैं ऐसे रखूंगा और मैं इसको ये वाले एंगल से फोटो क्लिक करूंगा, तो
आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ग्लास के अंदर कितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी हाईलाइट होके आएगी, एंड दिस इज नोन एज स्ट्रेट, दिस इज नोन एज 90 डिग्री फोटोग्राफी, स्ट्रेट ऑन फोटोग्राफी. ओके, सो यहाँ पे आप, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फ़ोन को सिर्फ स्ट्रेट रखा हुआ है, आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे आपको बैकड्रॉप जो होगा वो आपको अच्छा लेना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि मेन आपका जो एलिमेंट होगा दिखेगा बैकग्राउंड में वो आपका बैकड्रॉप ही होगा, उसके बाद आपका ये जो मेन फूड आइटम है वो दिखेगा. तो आप ट्राई करें ये वाली फोटोग्राफी का एंगल उसमें ही यूज़ करें, जहाँ पे आपको लेयर्स दिखाना है, आपको दिखाना है कि नहीं मेरे फूड के अंदर ये चीज़ डाली हुई है, इसके अंदर ये स्पेक्स है, इसका टेक्सचर दिखाना है, तो आप ये वाली एंगल देख सकते हैं. एंड अगेन आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ नॉर्मली फ़ोटो सेटअप किया हुआ और कुछ नहीं किया हुआ, रैंडमली रखा हुआ है, फिर भी ये देखो बैकड्रॉप में कितना अच्छा लग रहा है, कितना आई अपीलिंग लग रहा है. अगर मैं इसको अभी भर दूँ किसी चीज़ से, हाईलाइट कर दूँ, भर दूँ मैं पिंक सोडा से या कुछ भी अच्छा से वाइब्रेंट कलर से, तो बहुत ही अच्छा पॉपअप होके आएगा और ये फ़ोटो भी बहुत ही अच्छा लगेगा. एंड अगेन ये वाली फ़ोटोग्राफी है तो इसके अंदर आप लेवल्स दिखा सकते हैं. आपको लेवल्स इसलिए दिखाने हैं ताकि जो फूड है वो बिल्कुल फ्लैट ना लगे. अगर मैं बात करूँ लेवल्स की, तो मैंने ये नीचे से लेवल निकाल दिया, मैंने वो पिज्ज़ा का प्लेटर रखा था आपको पता हो तो मैंने अभी ये निकाल दिया, तो आप देख सकते हो फोन की मतलब जो फोटो है कितना फ्लैट लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा. बट अगेन व्हेन आई पुट दिस, मैं ये वापस से रख रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है, आँखों को देखने में बहुत अच्छा लग रहा है. यस दीपा, 45 डिग्री वाला जो आप जो फोटोग्राफी के लिए होता है उसके अंदर बैकड्रॉप की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको ये जो बेस है वो थोड़ा सा अच्छा और बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि जनरली 45 डिग्री आप ऐसे ही यूज़ करने वाले, हम लोग फोटो क्लिक करने वाले, तो वैसे ही बैकड्रॉप की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द हाइट, तो मैंने यहाँ पे अभी ये वाला प्लेटर यूज़ किया हुआ. अगर मैं इसके अंदर दूसरे, मुझे यहाँ पे अगर मेरे पास तीन चार प्रॉप्स भी है, अगर मैं अगेन इफ आई से मुझे और हाइट बढ़ानी है, तो मैं इसके ऊपर, इसके नीचे कोस्टर्स रख दूंगा या और कुछ रख दूंगा, तो इसकी और हाइट बढ़ जाएगी और इसका और एक लेवल अप हो जाएगा. अभी देखो मेरे पास, मैंने एक ही डिश बनाई बट मैंने तीन तरीके से सर्व करी, तो तीन तरीके से अलग अलग ग्लास के अंदर ये देखो अगर सर्व करिए तो भी फोटो बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि हमने अलग अलग लेवल्स दिखाए, अलग अलग क्रॉकरी यूज़ किया. अगेन दैट इज़ नॉट मैंडेटरी आप क्रॉकरी कैसी यूज़ करते हो, बट लेवल्स दिखाए दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, तो आपका जो फूड है वो अच्छे से उभर के आएगा. एक आँख से अभी हम देखेंगे तो आप पहले ये देखोगे, फिर ये नीचे जाएगा, फिर हमारी आँख ऊपर जाएगी, तो एक पूरा वेव बन रहा है, तो ये आँखों को ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा. सो बेसिक ये तीन डिग्रीज थी, मतलब तीन एंगल्स है फूड फोटोग्राफी के, जहाँ से हम फूड फोटोज क्लिक कर सकते हैं. तो ये दिस वन वाज द स्ट्रेट ऑन 90 डिग्री वाला एंगल, दिस वन वाज 45 डिग्री जो हम आँखों से देखते हैं, एंड अगेन दिस वन वाज टॉप हेड, टॉप ओवर हेड फोटोग्राफी का एंगल. सो आई होप से सबको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि क्या क्या एंगल्स होते हैं. जस्ट अ सेकेंड, आई एम गोइंग टू फिक्स माई कैम नाउ. सो आई होप कि सबको बेसिक आइडिया आ गया हो कि फूड फोटोग्राफी की बेसिक एंगल्स कौन से हैं, एंड कौन सा एंगल आप कौन सी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. एंड ये एंगल्स अगेन बहुत ही मैटर करता है आपकी फूड फोटोग्राफी के लिए, बिकॉज फूड फोटोग्राफी में एंगल इज़ वॉट मेक्स द फूड रियली अपीलिंग एंड टेस्टी. सो दिस वॉज द बेसिक फूड फोटोग्राफी के एंगल. सो वील टॉक अबाउट, हमने अभी तीन चार चीज़ें कवर अप कर लिया, हमने लाइट कवर कर लिया, बैकड्रॉप्स कवर कर लिए, क्रॉकरी कटलरी कवर कर ली, एंड दिस वन इज द फोर्थ टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड अप राइट नाउ. एंड या सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हम लोग कौन से एंगल में, सॉरी,
फोन के अंदर कौन से कैसे तरीके से हम अच्छा सा फोटो क्लिक कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे ग्रेड लाइन से नहीं सो अब मैं भी अभी जब अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो वैन एवर आई टेक फोटोज़ तो मैं मेरे खुद के फ़ोन से ही यूज़ करता हूँ, बिकॉज अगेन आई एम अ बिगिनर, तो मेरे पास इतने हाई फाई कैमराज है, पूरा सेटअप नहीं है। सो मैं मेरे फ़ोन से ही ज़्यादातर शूट करता हूँ एंड मैं फ़ोन से ही फोटोग्राफी करता हूँ। जस्ट आई हैव इन्वेस्टेड एंड मेड सम प्रॉप्स जो मेरे मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, इससे भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रह जाती है, आप ये भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम लोग फ़ोन से कितना अच्छा फ़ोटो कैसे ले पाएंगे। सो मैं बेसिक सेटिंग्स की बात कर लेता हूँ पहले, तो आपको सो दिस इज़ आवर फोन, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं पूरा ग्रिड पैटर्न आ रहा है, तो आप ट्राई करें कि आप ग्रिड पैटर्न के अंदर ही फोटोज क्लिक करें, क्योंकि ग्रिड पैटर्न से होगा क्या कि आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि आपका कौन सा फूड आइटम कौन सी जगह पे है। सो इफ आई से आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने अभी 45 डिग्री का एंगल लिया हुआ है, तो ये ऑलरेडी इतना अच्छा लग रहा है, बट अगेन मुझे इसको फोकस करना पड़ेगा एंड मैं ये पूरा पिक्चर नहीं ले पाऊंगा क्योंकि इतना अच्छा नहीं लगेगा, मुझे सारी चीज़ें कवर अप नहीं करनी है फ़ोटो के अंदर। और आप ट्राई करें कि आप पोर्ट्रेट में ले ना कि लैंडस्केप में, लैंडस्केप में आप ले सकते हैं बट तभी ले जब आपको कि कहीं पे और जगह पे पोस्ट करना है। ज़्यादातर आप जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं तो वहाँ पर आप पोर्ट्रेट वाले मोड से आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी पोर्ट्रेट मोड में रखा हुआ है, अगेन आप जो ग्रिड लाइंस आती है वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज मुझे पता चलेगा मेरा कौन सा आइटम कहाँ पे, और अगर मुझे कुछ यहाँ पे मूव ऑन करना है तो वो मैं मूव कर पाऊँगा। तो दूसरी बात है, अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके फ़ोन के अंदर HDR करके आएगा तो आप ऑन कर दीजिएगा बिल्कुल, बिकॉज उससे जो नेचुरल लाइटिंग वो अपने आप ईजिली सेटअप हो जाएगी। एंड ये मैंने सेट कर दिया है HDR। दूसरा चीज़ ये है कि आपको फ्लैश कभी भी अपने फोटोग्राफी के अंदर यूज़ नहीं करनी है, बिकॉज फ्लैश यूज़ करेंगे तो आपका फूड रिफ्लेक्ट होगा और वो फ़ोटो में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये था। और तीसरी बात कि अगर आपके फ़ोन के अंदर कोई ऑप्शंस आते हैं फूड फोटोग्राफी के तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और आप पोर्ट्रेट मोड में कभी भी यूज़ नहीं करिएगा फूड फोटोग्राफी के अंदर, क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। पोर्ट्रेट मोड में आपका फूड दिखेगा बट पूरा जो बैकड्रॉप हो जाएगा वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा। एंड सबसे मेन चीज़ है, जब भी आप फूड फोटोग्राफी का स्टार्ट करें तो आप पहले अपना जो बैक कैम है वो अच्छे से साफ कर ले कोई भी कपड़े से या तो फिर कॉटन कपड़े से, ताकि जो भी आपकी फ़ोटो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी आए। एंड इससे आपका रियली बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा जब आप फोटो क्लिक करेंगे, और देख सकते हैं आप ये अभी भी मैंने कुछ किया नहीं है बट फिर भी ये इतना अच्छा लग रहा है फोटो। अभी मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने लाइट थोड़ी सी कम की है, डिस्कनेक्ट कर लिया निधि, इट इज नॉट डिस्कनेक्टेड, ये चालू ही है अभी सेशन। सो कभी भी आप फोटोज क्लिक करें आप फुल लाइट के अंदर ना क्लिक करें, थोड़ा सा लाइट आप डिम करें ताकि जो फूड है उसके लेयर्स दिखेंगे, कॉन्ट्रास्ट अच्छा सा बनेगा, और आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फोकस कर दिया प्रोडक्ट के ऊपर, आप देख सकते हैं जो फोटो है पूरा वो कितना अच्छा निखर के आया। इफ यू कैन सी, आई डोंट नो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा।
तो अगर मैंने यहाँ पे पूरा, अभी मैं दूसरा फूड के साथ भी क्लिक करके दिखाऊंगा, बट दिस इज़ द बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि कैसे आप फूड फोटोग्राफी कैसे यूज़ कर पाएंगे। एंड अगेन दिस इज़ द 45 डिग्री पिक्चर, तो मैंने 45 डिग्री से फ़ोटो क्लिक किया हुआ है। सो या दिस वॉज द बेसिक फ़ोन सेटिंग्स दैट यू आर गोइंग टू यूज़। आप फ़ोन सेटिंग्स कौन सी यूज़ करोगे तो आपका पिक्चर अच्छा आएगा। ये मैंने सिर्फ बेसिक फ़ोन से ही क्लिक किया हुआ है। सो बेसिक आइडिया तो आप सबको आ गया होगा कि फूड फोटोग्राफी कैसे कैसे कौन से एंगल्स है उसके। एंड वंदना जी आप क्या बोल रहे हैं, मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं आ पा रहा। नाइट व्यू सम रिफ्लेक्शन इन होम लाइट्स ऑल्सो। आप ट्राई करें कि जो रात में अगर आप फोटो क्लिक करते हैं तो आपके कोई भी फैमिली मेम्बर को बोले कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आपका फोन किसी और का फोन पकड़े और टॉर्च चालू करें तो थोड़ा सा आपके फूड के ऊपर थोड़ा सा लाइट आएगा और थोड़ा सा सफिशिएंट हो जाएगा। बट अगेन मैं प्रेफर नहीं करता कि रात में आप अगर फूड फोटोग्राफी करें कि रात को फोटोज़ अच्छे नहीं आने वाले हैं। रात में बिल्कुल फोटोज़ अच्छे नहीं आएंगे, रात को आपको आर्टिफिशियल लाइट्स ही यूज़ करनी पड़ेगी तो ही आपके फोटोज़ अच्छे आएंगे। तो अभी वी आर स्टार्टिंग आवर लाइव, मैंने कुछ चीज़ें बनाई हुई है एंड तो मैं उसके बारे में आपको बोल देता हूँ। तो टुडे वी आर शूटिंग फॉर कपकेक्स, तो मैंने चॉकलेट कपकेक्स बनाई हैं, उसकी हम लोग फोटोग्राफी करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रॉबेरी सोडा की करेंगे फोटोग्राफी। एंड तीसरी चीज़ मैंने मालपुआ बनाया है, उसकी फोटोग्राफी करेंगे। एंड चौथी चीज़ मैंने अरब यादा पास्ता बनाया है तो उसकी भी फोटोग्राफी करेंगे। तो पहले वो स्टार्ट कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया आ जाएगा। गणु बधु थैंक यू गायत्री जी। हाँ एकता आंटी हूँ, बात कर ही रहूँ छू। नाइट फोटोग्राफी नहीं, तो नाइट फोटोग्राफी बेसिकली आप ट्राई करें कि आपके रूम में इवन लाइट हो। अगर आपका लाइट सोर्स ऊपर से, जनरली लाइट्स नाइट फोटोग्राफी में ऊपर से ही लाइट आती है, बट आप ट्राई करें कि जो लाइट सोर्स है वो इवन हो, हर जगह पे लाइट इवन आ रही हो, रिफ्लेक्शन ना आ रहा हो। क्योंकि रात को जनरली मैंने भी क्लिक किए हुए हैं बट वो इतने अच्छे नहीं होके आते। अगर मैं बात करूँ ये ग्लास की रात को, तो रात को ऊपर से लाइट आएगी ना कि साइड से। बट अगर मैं दिन की बात करूँ तो इस ग्लास के अंदर साइड से, हर साइड से लाइट आ रही है। रात को वो लाइट नहीं आएंगी तो फोटो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो आई डेफिनेटली प्रेफर टू शूट इन द डे लाइट और इन द डे। एंड रात को अगर आप ट्राई कर यू इफ़ यू वॉन्ट टू शूट इन द नाइट, आप यूज़ करें आर्टिफिशियल लाइट्स। एंड अगेन आप डिफ्यूज़र बना सकते हैं। मैं आपको शो तो कर दूँ बट आई डाउट आप बना पाओगे कि नहीं। मैंने एक बनाया हुआ है ऋषभ तिवारी ना, डिफ्यूज़र लाइट सॉफ्ट बॉक्स। तो मैंने एक पूरा सॉफ्ट बॉक्स बनाया हुआ है जो बेसिकली फोटोग्राफर्स या फोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है, जो अभी तक मैंने चालू भी नहीं किया, मैंने रिसेंटली ही बनाया है। सो दिस इज बेसिकली द सॉफ्ट बॉक्स, मैं दूर से दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप लाइट लगाओगे तो ये पूरा रिफ्लेक्ट हो गया, देख रहे हो अभी भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप पहले लाइट लगा के लाइट चालू कर दोगे और इसके ऊपर बटर पेपर लगा दोगे तो आपका जो लाइट है रूम टेम्परेचर नेचुरल लाइट है वो अच्छे से रात को, रात के टाइम में पॉसिबल हो पाएगा। बट वो आप नेचुरल लाइट, अच्छा फोटो आपको रात को बिल्कुल नहीं आएगा। तो यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ स्टफ, यूट्यूब पे बहुत ही अच्छे वीडियोस मिलते हैं तो आप बना सकते हो। अगेन ये कार्डबोर्ड से ही बनाया हुआ है, इतना ट्रिकी भी नहीं है, तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आपको रात में फोटोज क्लिक करने। बट आई अगेन सजेस्ट कि आप दिन में ही फोटो शूट करें। तो अभी हम लोग फोटोग्राफी स्टार्ट करते हैं, तो पहला हम लोग पास्ता का फोटो क्लिक कर लेंगे, उसके बाद हम करेंगे मालपुआ का, उसके बाद कपकेक्स का, एंड लास्ट में हम फूड शूट करेंगे सोडा का। तो मैं थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं।
फिनिश थी। ओके सो मैं पास्ता इसके अंदर सर्व कर रहा हूँ। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, मैं थोड़ा सा प्लेटिंग कर लूँ तो आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा, और उसके बाद हम फूड फोटो के मतलब पास्ता की फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। देवी का स्मोक स्मोक इफेक्ट देने के लिए मैंने एक बार टेक्निक यूज़ किया था, तो मैंने पूरे इंडियन थीम के लिए मैंने एक पूरे मिठाई के लिए मैंने फ़ोटोशूट किया था खुद की। दिवाली के टाइम मैंने जितने भी सारे फ़ोटो मिठाई बनाई थी तो उसके लिए मैंने फ़ोटोशूट किया। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे पूरा जैसे पूरा लेआउट कर लिया था, तो पीछे वाली साइड मैंने ऐसे बीच में वहाँ पे ट्रे लगाई हुई थी, और ट्रे की पीछे वाली साइड जैसे कि ये ट्रे है इसके पीछे वाली साइड मैंने यहाँ पे धूप आता है जो हम लोग पूजा के लिए यूज़ करते हैं, तो पूजा वाला जो धूप आता है वो मैंने पीछे जला के रख दिया था, तो एक अच्छा सा स्मोकी जैसा इफेक्ट आ रहा था क्योंकि मुझे इंडियनाइज करना था वो, और उसके अंदर पूजा वाला थोड़ा सा थीम जैसा लाना था क्योंकि दिवाली टाइम था। तो मैं आपको वो फोटो दिखा देता हूँ। दिस वन वॉज द फोटो, आप देख सकते हैं। इसके अंदर पीछे मैंने धूप रखा हुआ है, यहाँ से पीछे से स्मोक आ रहा है, और यहाँ पे मैंने सारी मिठाइयाँ रख दी थी जो मैंने बनाई हुई थी, तो ये दिवाली के लिए था, तो मैंने पूरा थीम उसका इंडियनाइज किया हुआ था, इसलिए मैंने दिए लगाए हुए थे, धूप लगाया हुआ था एंड आसो पालव क्योंकि वो थोड़ा सा शगुन माना जाता है, तो और यहाँ पे मैंने मोती की माला लगाई हुई थी क्योंकि वो बहुत ही अच्छा आ रहा था फोटो के अंदर, तो ये बहुत ही अच्छा फोटो था। अगर मैंने यहाँ पे गेंदे के फूल यूज़ किए हुए क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं, हम लोग पूजा में भी यूज़ करते हैं, तो ये था मैंने ये वाला फ़ोटो यूज़ किया था, आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। ये मैंने पीछे धूप लगाया था तो वहाँ से पीछे अच्छे से स्मोकी इफेक्ट आ रहा था। तो यहाँ पे अभी बेसिक मैं पास्ता ही सर्व कर रहा हूँ, और मैं बैकड्रॉप ये वाला ही ले रहा हूँ, और बेस में ये वाला जो ग्रे कलर का है अभी वो ले रहा हूँ। हम लोग दूसरा बेस के अंदर भी देख लेते किस में अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कौन से बेस पे आप क्या ले सकते हैं। मैंने वो लास्ट पिक दिखाया था तो मैं दिखा देता हूँ वो मैंने फ़ोटो कैसे क्लिक किया था। आप देख सकते हैं कि मेरे लाइट सोर्स, ये मैंने किचन के अंदर क्लिक किया था तो मेरा लाइट सोर्स पीछे से आ रहा था, किचन की विंडोज़ है, और यहाँ पे है मेरा गैस, तो मैंने गैस के ऊपर एक पतला ब्लैक कपड़ा लगा दिया था क्योंकि मुझे थीम थोड़ा सा डार्क रखना था, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा। लाइट सोर्स मेरा एक है और मैंने कोई भी आर्टिफिशियल लाइट यूज़ नहीं किया है, और फ़ोटो कितना अच्छा उभर के आया हुआ है। सो या दिस वन वॉज इट, एंड या मैं आपको लास्ट में बोल देता हूँ कि कौन सा मेरा पेज है, तो आप वहाँ पे जाके ये सारे फोटोज़ देख सकते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बोल देता हूँ।
मैंने यहाँ पे अराबियाता पास्ता बनाया हुआ है, अराबियाता पास्ता बनाया हुआ, उसको मैं गार्निश कर रहा हूँ ब्लैक ऑलिव से, बिकॉज दैट डज लुक रियली गुड इन द गार्निश। तो मैं नीचे यहाँ पे ऑलिव्स रख ले रहा हूँ, थोड़े से मैं स्प्रेड कर दूंगा बिकॉज मुझे ऑलिव्स ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने वो किया है। एंड इसके ऊपर मैं थोड़े से ऑलिव्स और रख देता हूँ। मेरा प्लेटिंग रेडी हो गया, मैंने थोड़ा सा प्रॉप्स के लिए ये यूज़ किया हुआ है बेस, और बस दैट्स ऑल। हम लोग और कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं करें बिकॉज हम लोग जूम ऑन जूम करके फ़ोटो लेने वाले हैं, इतना ज़्यादा बैकड्रॉप दिखने भी नहीं वाला है। तो एंड अगेन मैं थोड़े प्रॉप्स के लिए मैं यहाँ पे फॉर्क यूज़ कर रहा हूँ। एंड अगेन आप फॉर्क कौन सी एंगल में पोस्ट रखेंगे वो भी बहुत ही मैटर करता है। ट्राई करें आप, जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ये वाला जो साइड है वो मेरी साइड है, यानी कि जो फोटो बाहर वाली साइड है, ना कि ऐसे पीछे वाली साइड, बिकॉज वो इतना टेम्पटिंग नहीं लगेगा। बट जब हम ऐसे रखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा, नहीं दिस पिक इज इनवाइटिंग अस टू हैव दिस फूड। तो हम लोग इसको ऐसे रखेंगे और मे बी हम लोग देख लेते कौन से एंगल में ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड अगेन फूड फोटोग्राफी के अंदर आप एक सिंगल पिक नहीं लेंगे, आप ट्राई करें आप हर एक एंगल से फ़ोटो लें, ताकि आपको बेसिक आइडिया आ जाए कौन सा पिक कौन से बेस कौन सा पिक्चर आपका ज़्यादा अच्छा आ रहा है, कौन से एंगल में आपका ज़्यादा अच्छा आ रहा है पिक्चर। हम लोग शायद बैकग्राउंड हम लोग चेंज करेंगे, बट पहले इसके अंदर देख लेते किसका इसके अंदर कैसा फोटो क्लिक होके आता है। हम लोग इसका भी 45 डिग्री वाला एंगल यूज करें इसके अंदर। मैंने अभी यहाँ पे डार्क रखा हुआ है, बट जब मैं एडिट करूंगा फोटो को तो तब मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस वगैरह अरेंज कर लूंगा। यस नहीं है, आपको बहुत सारे फोटोज लेने पड़ेंगे। जब भी मैं भी खुद फोटोज क्लिक करता हूँ तो मेरे जनरली 100 से 150 फोटोज क्लिक होते हैं, उसके बाद मेरा एक फोटो क्लिक होके मतलब एक फाइनलाइज होता है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने फोटो क्लिक किया है। एंड आई होप आपको दिख रहा होगा, जस्ट हाई यस बोल दीजिए तो मुझे आइडिया आ जाए। दिख रहा है ना अच्छे से? सो ये मैंने अभी फोटो क्लिक किया हुआ है। बैकड्रॉप बेस में मैंने कुछ नया फैंसी नहीं रखा, बट हम इसका अभी और एक एंगल से फोटो क्लिक करके देख लेते हैं कि कौन सा अच्छा लगता है। एंड दूसरा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके,
सो मैंने अभी टॉप व्यू वाला फोटो लिया हुआ है, इफ़ यू कैन सी। अभी मैं जब एडिट करूँगा तो मैं ये वाला जो साइड है ये पूरा मैं कट कर दूंगा, तो मेरा इतना ही पोर्शन दिखेगा इसके अंदर। आपको आइडिया आ रहा है बेसिक कि मैंने कैसे फ़ोटो क्लिक किया? ये मैंने टॉप व्यू से टॉप हेड फोटोग्राफी की है इसके अंदर, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो ये मैंने ऊपर से फ़ोटो क्लिक किया है। अभी आपको ये थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा, बट जब मैं एडिट करूँगा फ़ोटो को तो ये जो सारी जो डार्क स्पेस है वो सारी फिल हो जाएगी और थोड़ा सा अच्छा अपीलिंग फ़ोटो दिखेगा। सो ये हमने पास्ता की फोटोग्राफी कर ली है। आई होप ये आपको थोड़ा सा अच्छा लगा हो एंड इट हैज़ बीन हेल्पफुल टू यू। तो अब हम दूसरी फोटोग्राफी करेंगे, हम कपकेक्स की फोटोग्राफी कर लेते हैं, उसके बाद हम मालपुआ की टॉप हेड फोटोग्राफी करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैंने ये ग्रे बैकग्राउंड रखा हुआ है, आप कोई भी बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, बैकड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। एंड अगेन आपको पता हो तो देर इज़ ऑल्सो नोन एज डार्क फोटोग्राफी। तो डार्क फोटोग्राफी भी होती है जहाँ पे जनरली वो मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ, बिकॉज जो मेरा किचन है मैंने आपको पहले दिखाया था फोटो में, तो मेरा किचन है वो पूरा ब्लैक प्लेटफॉर्म है। एंड तो मेरा जो किचन है वो पूरा ब्लैक प्लेटफॉर्म है, सब जगह पे ब्लैक है, तो वहाँ पे डार्क फोटोग्राफी बहुत ही अच्छी आती है। और मेरा विंडो से अच्छी एक लाइट सोर्स भी आ जाता है, तो ऊपर से लाइट सोर्स आ रहा है तो बहुत ही अच्छा एक डार्क फोटोग्राफी हो जाता है। आप ये वाले बैकग्राउंड में भी डार्क फोटोग्राफी कर पाओगे, बट वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा एज ए बिगिनर, बिकॉज इसके अंदर डार्क फोटोग्राफी के अंदर आपको ज़्यादातर ब्लैक कलर के चार्ट पेपर्स और ब्लैक स्टॉपर लाइट स्टॉपर्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर आपके पास ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म है तो आप वो उसके ऊपर आप ज़रूर क्लिक करके उसके ऊपर बहुत ही अच्छा फोटो क्लिक होके आएगा। तो अभी हम कपकेक्स का फोटो शूट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये डार्क ब्लू वाला बैकड्रॉप यूज किया है। आई होप आपको सबको दिख रहा होगा। विजयती गोयल, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैं प्लेटफॉर्म पे फोटोज क्लिक करता हूँ तो डार्क फोटोग्राफी में कैसे निकल के आते हैं। सो ये वाला पूरा मैंने डार्क फोटोग्राफी आप बोल रहे थे ना, तो दिस वन इज़ द डार्क फोटोग्राफी। तो ये मेरा पूरा प्लेटफॉर्म ब्लैक है एंड उसके ऊपर से मेरा प्लेट भी ब्लैक था और उसकी रिम पे आप देख सकते हैं इतना अच्छा सा लाइन होके आ रहा है।
प्रीति जी, मैंने ब्लैक फोटोग्राफी का बोल डार्क फोटोग्राफी का बोला। जनरली अब डार्क फोटोग्राफी, आपका बैकग्राउंड, आपकी प्लेट्स वगैरह जितना डार्क होगा आपका फोटो उतना अच्छा और डार्क आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो प्रोडक्ट बनाया था, यानी कि मैंने यहाँ पे कुछ साबूदाना की खीर बनाई थी, उसके ऊपर हलवा डाल के उसके ऊपर ये ट्यूरी लगाई थी। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हाईलाइट होके आ रहा है, इसके अंदर कलर्स भी पॉप होके आ रहा है, बिकॉज ये पूरा ब्लैक है, बैकग्राउंड ब्लैक है, मेरी प्लेटर ब्लैक है। जस्ट मेरा प्लेटर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ब्लैक है और अनइवन शेप है, बट उसका एजेस देख सकते हैं, उसके अंदर दिख भी रहा है कि हाँ मैंने प्लेट के अंदर रखा हुआ है। एंड अगेन इट इज़ जस्टिफाइंग द इमेज। अगेन आप ये वाला भी देखिए, आप ऐसा बोल भी या कुछ आप ब्लैक कलर या डार्क कलर में आप यूज़ करें तो भी बहुत ही अच्छा बनेगा। अगेन दिस वन इज़ अनदर डार्क फोटोग्राफी वाला पिक। ये मैंने प्लेटफॉर्म पर ही पिक क्लिक किया था। ये मैंने कुछ रोज़ कुकीज़ बनाई थी। तो ये टॉप हेड फोटोग्राफी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये फोकस नहीं हो पा रहा। तो आप देख सकते हैं ओवर हेड फोटोग्राफी, मेरा बैकग्राउंड पूरा ब्लैक है, मेरा प्लेटर पूरा ब्लैक है, और यहाँ पे जो बेकिंग ट्रे वो मैंने यूज़ किया एज ए प्रॉप, एंड अगेन जो कूलिंग रैक है वो यूज़ किया हुआ है एज ए प्रॉप। तो बहुत ही अच्छा पिक निकल के आया हुआ है। एंड अगेन मैंने यहाँ पे रोज पेटल्स ऐड किया है, तो अगेन दैट इज़ हेल्पिंग एंड इट इज़ जस्टिफाइंग द इमेज। एंड अगेन दिस वन इज़ अ रियली गुड पिक्चर ऑफ माइंड। ये मैंने क्लिक किया था होली के लिए। ये टॉप हेड फोटोग्राफी है, तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड लिया है वो रेती जो होती है, सैंड होती है, जो कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होती है, तो वो मैंने पूरी प्लेटफॉर्म के अंदर बिछा दी थी, पूरे एजिस मतलब प्लेटफॉर्म का बेस जो मैंने बैकग्राउंड बैकड्रॉप है वो पूरा मैंने रेती सैंड सैंड मिट्टी से बना दिया था, और उसके ऊपर ये मैंने गुजिया बनाई थी और पूरा होली वाला सीन बनाया था। तो मैंने थोड़े से जगह पे फोटोज मतलब स्प्रिंकल किया था, ये जो भी सारी चीज़ें जो हम होली के लिए खाते हैं, तो वही सारा मैंने जो मिट्टी के कुल्हड़ आते हैं तो वो थोड़ा इंडियनाइज करने के लिए वो मैंने यूज़ किया, और वो पूरा थीम बनाया था। तो ये टॉप हेड फोटोग्राफी है। तो आप जो बैकग्राउंड है आपका, जो बैकड्रॉप है, वो उसके अंदर आप बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव हो सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने अभी मिट्टी यूज़ की है, आप लकड़े ले सकते हैं, आप ड्राइड लीफ ले सकते हैं, आप ड्राइड पेटल्स ले सकते हैं, आप जो भी दिमाग में आता है कि नहीं इसके ऊपर आप फोटोज़ क्लिक कर पाएंगे तो आप वो फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। अगेन दिस वन इज़ अगेन ब्लैक डार्क फोटोग्राफी तो नहीं है, बट दिस इज़ अगेन डार्क पिक्चर बिकॉज इसके अंदर ब्लैक प्लेटर यूज़ हुआ है। मेरा प्रोडक्ट जो यानी कि ये मैंने मिसल पाव बनाया था, तो ये भी हाईलाइट हो रहा है। एंड दिस वन ग्रीन एंड ब्लू कलर आर पॉपिंग आउट बिकॉज मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का पूरा थीम यूज़ किया हुआ है। मेरा बैकग्राउंड ब्लैक है, मेरा प्लेटर ब्लैक है, तो ये बहुत ही हाईलाइट होके आएगा आपका फोटो। अगेन दिस वन इज़ अ ब्लैक वन, ये ब्रेड स्टिक्स बनाई थी। तो आप देख सकते हैं आपका बैकग्राउंड ब्लैक होगा, आपका बेस ब्लैक होगा, तो आपके फोटोज सारे हाईलाइट होके आएंगे, और आपका जो लाइट सोर्स है वो ऊपर से आ रहा है मेरे वाले में, तो कितना अच्छा हाईलाइट होके आ रहा है, पॉपअप होके आ रहा है ये वाला इमेज। या तो ये आपको बेसिक आइडिया बता चल गया होगा। अभी मैं कपकेक्स की फोटोग्राफी दिखा देता हूँ आपको, वरना वो लेट हो जाएगा। आप यहाँ पे मैंने ये अच्छे से अरेंज करके रखे हुए, बट मैं वो अभी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दूंगा, क्योंकि फूड फोटोग्राफी में अच्छे से अरेंज करी हुई चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं इसको अभी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। एंड इसको अब हम थोड़ा सा अगेन आपका फूड है जो उसके अंदर आप ट्राई करके जितने अच्छे कलर्स आप यूज़ कर पाएंगे उतने अच्छे कलर्स यूज़ करें,
ताकि जो फोटो होगा बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लगेगा। अभी मैंने देखो ये ऐसे प्लेन में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट जैसे ही मैंने रेड कलर का चेरी डाला तो इतना अच्छा ऐसे पॉपअप होके आ रहा है, और कितना अच्छा लग रहा है फोटो। सो ये बेसिक मैंने सेटअप कर लिया है कपकेक्स का। अभी देखते हैं हमको क्या क्या ऐड करना है बाद में और क्या क्या निकालना है। तो पहले हम एक बेसिक फोटो देख लेते हैं क्या क्या फ्रेम के अंदर आ रहा है। अभी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है बिकॉज लाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अभी धूप आ रहा है इसलिए। आ खाली ले ना, ये निकाल दो। चल सर, अभी मैं यहाँ पे मेरा जो रिफ्लेक्टर मैंने बनाया था वो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। कैन वी टेक क्रॉस पिक फॉर कप केक्स एंड कुकीज़ आप क्रॉस में भी ले सकते हैं। अभी मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ, बट अभी मुझे कपकेक्स दिखाने, उसके टेक्सचर्स दिखाने, इसलिए मैंने उसको ऐसे ऊपर नीचे तरीके से अरेंज किया है। आप क्रॉस में मैं लाइन से भी दिखा देता हूँ वो आप कैसे क्लिक करेंगे। पहले अभी मैं इसका एक पहले फ़ोटो क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। अगेन आप जब भी फोटो क्लिक करें ना तो आपका मेन फोकस जो भी आपका पहले जितना नज़दीक जो पहले प्रोडक्ट है, यानी कि अभी मेरा यहाँ पे ये वाला कपकेक नज़दीक है तो मैं इस वाले कपकेक पे ऊपर फोकस करूँगा, ना कि मैं पीछे वाले के ऊपर, बिकॉज़ ये ज़्यादा नज़दीक है और मेरा फोकस इसके ऊपर ज़्यादा आएगा तो आपका जो फोटो है बहुत ही ज़्यादा निखर के आएगा और जो पीछे वाले दो कपकेक्स है वो थोड़े से ब्लर हो जाएंगे। एंड अगेन आप फूड फोटोग्राफी के अंदर यू कैन गो इन ऑड नंबर्स। यहाँ पे मैंने 3 कपकेक्स यूज़ किया है, आप 4 यूज़ ना करें, 2 यूज़ ना करें, अगर आप 5 भी यूज़ कर सकते हैं तो आप इवन नंबर्स ना जाए, ऑड नंबर्स पे जाए, क्योंकि ऑड नंबर्स वाला ज़्यादा आई अपीलिंग लगता है। तो यहाँ पे मैंने 3 कपकेक्स ले लिया है और अभी मैं इसका अच्छा सा फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। मुझे इसका फ्रॉस्टिंग अच्छा नहीं लग रहा इसको, इसलिए मैं इसको पीछे जाने दे रहा हूँ और पीछे वाली आगे ले रहा हूँ। एंड मैं थोड़ी बैकग्राउंड के अंदर मैं थोड़ी सी चेरीज डाल रहा हूँ यहाँ वहाँ पे। तो जनरली आप फुल लाइट में ना फोटो क्लिक करें, आप हमेशा जो फोटो की लाइट है वो थोड़ी सी ब्राइटनेस आप कम कर दीजिए ताकि उसके जो सारे टेक्सचर्स हैं वो दिखे, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राइटनेस फुल है तो कोई भी टेक्सचर्स या लाइंस वगैरह नहीं दिख रही है। बट जब मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करूँगा तो पूरी लाइंस टेक्सचर्स वगैरह सब कुछ दिखेगा, और हम जब थोड़ा सा फोटो एडिट करेंगे तब उसका हम लोग देख लेंगे बाद में। ओके, तो मैंने फोटोज क्लिक कर लिया तो अभी दिखा देता हूँ मैं आपको।
सो ये वाला मैंने फोटो क्लिक किया है। इफ़ यू कैन सी, ये बहुत ही अच्छा पिक आया है, बट मुझे इसमें यहाँ पे स्पेस नहीं दिख रहा था और तो अच्छा नहीं लगा इतना, तो मैंने दूसरा थोड़ा सा आगे करके लिया। मैंने ये कपकेक थोड़ा सा और आगे कर लिया था, बट इसमें भी नहीं दिख रहा है, तो हम लोग और एक क्लिक कर लेंगे इसके बाद। एंड अगेन आपको मैं एक और चीज़ इन्फॉर्मेटिव बता दूँ कि ये जितना भी स्पेस है जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट नहीं है, अगर मैं बात करूँ ये पिक के, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, तो ये सारा नेगेटिव स्पेस होता है। जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट नहीं है, जहाँ पे हमारा खाना नहीं है, वो नेगेटिव स्पेस बोलते हैं उसको, और वो हमारे फोटो को, इमेज को बहुत ही ज़्यादा आई अपीलिंग बनाता है। तो ये सारे फोटोज़ अभी मैं और एक क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था, अच्छा नहीं लगा। ओके तो मैंने यहाँ पे अभी देखो एक ये वाली जो कपकेक है, मैंने इसके ऊपर फोकस किया है। एंड अब जब हम एडिट करेंगे तो ये ऊपर से हम लोग थोड़ा सा पीस कट करके इसको बाद में हम लोग एडिट करेंगे, तो बहुत ही अच्छा इमेज बन जाएगा ओवरऑल। तो ये हमने कपकेक की फोटोग्राफी कर ली है, एंड दिस वाज इट फॉर द कपकेक का फोटोग्राफी। अब नाउ वी आर शूटिंग फॉर नेक्स्ट फॉर मालपुआ रबड़ी, एंड जस्ट गिव अस 5 मिनट्स, हम लोग ये पूरा क्लियर आउट कर लेते हैं। एंड तब तक यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन दैट यू वॉन्ट टू, आप पूछ सकते क्या क्या पूछना है आपको। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है तो आप बहुत पूछ सकते हैं मुझे अभी। अगर आपके पास कोई, आपको कोई डाउट या क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी हम लोग ये रस्टिक वाला जो हमने बैकड्रॉप लिया है वो मालपुआ रबड़ी वाले के लिए इमेज के लिए यूज़ कर रहे हैं। एंड अब मालपुआ वाली जो इमेज है उसका हम लोग ओवरहेड फोटोग्राफी करने वाले हैं। कैन वी टेक क्रॉस पिक्स ऑफ कपकेक्स एंड कुकीज़ इन वन? यस यस यस, आप ले सकते हैं देविका, कपकेक और कुकीज़ वगैरह का एक लाइन के अंदर आप फोटो की बात कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। आप फाल्गुनी जब फोटो क्रॉप कर सकते हैं, बिकॉज फोटो क्रॉप करने के बाद होगा क्या कि आपको एक्चुअल फोटो का कंपोजिशन पता चलेगा, जितना आपको एक्सेस निकालना है फोटो के लिए फोटो में से वो आप निकाल सकते हैं। एंड दूसरा, फोटो क्रॉप करने से होगा क्या कि जो जितने भी फोटो, अगर आपका फोटो में बहुत ही ज़्यादा
जैसे अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की, तो अब इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें ढक दूंगा तो फोटो इतना अपीलिंग नहीं लगेगा, बट मुझे वो फोटो क्रॉप करना ही पड़ेगा क्योंकि और ज़्यादा टेम्पटिंग और डिलीशियस लगे इसलिए। और कभी भी हम लोग फोटो लेते हैं तो अब ट्राई करें कि आपका जो मेन प्लेटर है वो थोड़ा सा हल्का सा कट हो के, ना कि फुल आए, क्योंकि हल्का सा कट हो के आएगा तो आपका जो फोटो का डायमेंशन है वो पूरा चेंज हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छा उभर के आएगा। अभी मैं इस मालपुए की फ़ोटो की बात कर लेता हूँ, हम पहले इसका प्लेटिंग कर लेते हैं उसके बाद चालू करते हैं इसका फोटोग्राफी। यस विजय थी, मैंने फोटोग्राफी की है क्लॉथ के हेल्प, एक बार दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने मालपुआ बनाया तो इसके लिए सबसे बेस्ट गार्निश है पिस्ता और रोज पेटल्स, केसर है तो केसर भी डाल सकते हैं, दैट इज रियली गुड ऑप्शन। सो या विजय विजयती जी, ये वाला जो मैं बात कर रहा हूँ आपने बोला क्लॉथ के साथ, तो ये वाला मैं ये वाले पिक्चर के अंदर भी क्लॉथ यूज करने वाला हूँ, तो आप देख सकते बेसिक आइडिया आ जाएगा इसका। मैंने पीछे वाली साइड क्लॉथ डाला हुआ हल्का सा प्रॉप के तरीके से यूज़ किया है, एंड अगेन मैंने यहाँ पे मोती की माला यूज़ की है। ये मैंने मिष्टी दोई बनाया था स्टीम्ड योगर्ट, तो वो उसके लिए था। तो ये वाला प्रॉप एज ए क्लॉथ मैंने, ये क्लॉथ मैंने प्रॉप के तरीके से यूज़ किया था। अगेन टुडे वी आर यूजिंग दिस सेम क्लॉथ अगेन नाउ। पन्ना जी आपको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे यूज़ करता हूँ और आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया आ जाएगा। आप इसमें इसके अंदर देख सकते हैं कि मैंने क्लॉथ को है वो पीछे की साइड से ऐड किया हुआ है, और अब ना कि बेस में आप फ्लैट लेना कर दे, क्योंकि वो फ्लैट नीचे बेस में रखेंगे तो अगेन वो पूरा इमेज बिगड़ जाएगा और दिखेगा भी नहीं इतना अच्छा, और क्लॉथ है वो हाईलाइट भी नहीं होगा। अभी मैं अभी ये वाला ही क्लॉथ यूज़ करके आपको एक मैं बेसिक पिक्चर दिखा देता हूँ मैंने कैसे क्लिक किया। तो अभी मैंने सिर्फ ये प्लेटिंग कर ली, अभी मैं थोड़ा सा और प्रॉप्स वगैरह ऐड करके मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मैंने ऐड किया। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राइड रोज पेटल्स, अगेन दैट गोज वेल विद दिस मालपुआ, तो वो भी मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ थोड़ा सा। तो आपका इमेज वो ऑलरेडी इतना टेम्पटिंग लगेगा, ये प्लेटी इतनी अच्छी है क्योंकि अगेन ये कांसे की है, एंड आप देख सकते अभी भी इतना टेम्पटिंग लग रहा है खाने में। एंड मैं इमेज के अंदर भी मैं थोड़ा सा स्कैटर कर रहा हूँ रोज पेटल साइड के अंदर। सो अभी मैंने ये बेसिक कर दिया, अभी हम लोग इसका टॉप ओवरहेड फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो मैं पहले देख लेता हूँ कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लग रही है। और आप जब भी फ़ोटो क्लिक करें तो आप बेसिक अपने दिमाग के अंदर आइडिया बना लें कि कैसा आपको फ़ोटो चाहिए और कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लगेगी। नो डाउट आप उसके बाद फ़ोटो क्लिक करने के बाद उसको हिला सकते हैं, बट एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में होगा तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा।
एंड अगेन आप देख सकते हैं मेरे पास वो सेम क्लॉथ है. हाउ टू यूज़ वाइट प्लेट इन फोटोग्राफी. वाइट प्लेट आप कोई भी फूड के लिए यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट. बट प्लेट्स वाइट प्लेट यूज़ करते तो आप वो थोड़ा सा फाइन डाइनिंग जैसा हो जाएगा, बट डेफिनेटली आप उसके अंदर पराठा है, आप जितने भी फ्लैट फ्लैट फूड फूड है वो यूज़ कर सकते. अगेन ये मैंने प्लेटिंग किया था. अगेन ये वाइट प्लेट है तो मैंने बेसिक प्लेटिंग किया था. प्लेट के अंदर भी आपको नेगेटिव स्पेस रखना है. अगेन नेगेटिव स्पेस क्या है कि जहाँ पे मेरा फूड नहीं है तो ये पूरा नेगेटिव स्पेस ही नेगेटिव स्पेस होगा तो आपका प्लेट अगेन फूड है बहुत ही अच्छे हाईलाइट होगा. एंड अगेन द कलर्स आर रियली गुड. आप देख सकते ब्राइट रेड कलर है, ऑरेंज है, येल्लो है, वाइट है, ब्लैक है, तो ये पूरा बहुत ही अच्छा पॉपअप होके आ रहा है. अगेन ये सेम फोटो है बट आई हैव एडेड दिस चॉकलेट का बास्केट नेस्ट जैसा. तो आई हैव यूज दिस इन एज अ वाइट प्लेट इन प्लेटिंग अ डेजर्ट. तो ये डेजर्ट है पूरा. अगेन ये दूसरा ये बेसिक था जब मैंने फोटोग्राफी वगैरह स्टार्ट किया था. तो दिस इज़ द वे मैंने ये छोले रोल्स बनाए थे वो सर्व किए थे. अगेन दिस डज लुक रियली गुड. अब वाइट प्लेट का देख सकते इफेक्ट पूरा फूड के ऊपर आता है. आपका फूड पूरा हाईलाइट होके आता है. आपका फूड है वो पूरा हाईलाइट होके आएगा तो आपका फूड बहुत ही अच्छे से फोटो क्लिक होगा. बट आप ट्राई करके जो बैकड्रॉप है वो आप बेसिक ब्लैक या ब्लैकिश कलर का अगेन दिस वन इज अगेन इन द वाइट प्लेट. मैंने यहाँ पे सिर्फ ये मैंने रेड बनाया था बट मैंने इसका डिकंस्ट्रक्टेड रेड वेलवेट केक बनाया था. तो आप देख सकते हैं सिर्फ प्लेन वाइट प्लेट है. यहाँ पे मैंने हल्का सा चॉकलेट सॉस ड्रिजल किया हुआ उसको प्लेट को, फिर मैंने ऐसे स्ट्रेट कर दिया तो वो सॉस के ऐसी लाइंस बन गए. और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रीम चीज वाला रेड वेलवेट के पीसेस रख दिए थे. तो ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये वाइट प्लेट के अंदर ही है. तब ट्राई करें, जस्ट बी क्रिएटिव इन योर प्लेटिंग. आप नो डाउट कर सकते हैं प्लेटिंग बट अगर मैं ये वाइट प्लेट की बात कर लूँ तो आप ट्राई करें कि इसको बीच में ही ना रखें. आप साइड में रखें, आप इस साइड में रखें बट आप बीच में ना रखें क्योंकि बीच वाला जो स्टाइल था वो ऑलरेडी चला गया है मार्केट में से और वो बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड लगता है अगर आप बीच में फूड दे देते हैं तो सर्व करके. और अगेन फोटो में भी इतना अपीलिंग नहीं लगेगा जितना मैंने यहाँ पे साइड में लगाया. और मेरे पास नेगेटिव स्पेस बहुत है फूड प्लेट के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा आई अपीलिंग और अगेन टेस्टी लगेगा. सो हमने ये बेसिक प्लेटिंग कर लिया. अगेन इसमें मैं ये वाला सेम क्लॉथ यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने आपको फोटो दिखाया था. तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर ले कैसे करना है और फोटो कैसे क्लिक करनी है. सो मैं ये वाला पार्ट मुझे दिखाना है बेसिकली क्योंकि बहुत ही अच्छा पिंक कलर का है. तो मैं इसको अभी यहाँ पे रख रहा हूँ और हमको इसको पूरे कपड़े को कवर करने की फ़ोटो क्लिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. मैं दिखा देता हूँ आपको पहले. तो आप देख सकते हैं आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा हाउ की वी कैन अरेंज पराठा इन अ प्लेट. देवी का आप देख सकते हैं अभी मैंने मालपुआ ऐसे अरेंज किया है. उसके पराठे के पीसेस कट करके ऐसे ओवरलैप करके प्लेट कर सकते हैं और एल्स पराठे को ओपन अप करके भी उसके रोल्स बना के सर्व कर सकते हैं. और पराठे को एक के ऊपर एक के ऊपर एक पैनकेक की जैसे भी स्टैक करके उसको सर्व कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा. सो ये बेसिक मेरा सेटअप हो गया है मालपुआ का. तो अभी मैं इसका आपको ओवरहेड फोटोग्राफी करके दिखा देता हूँ.
आप थोड़े से चेंजेस करते जाए, जैसे आपको फ्रेम के अंदर दिखेगा तो आप वैसे वैसे थोड़े थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। अभी मैं इसकी टॉप हेड ओवर हेड फोटोग्राफी इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मेरे मालपुआ है वो पूरे फ्लैट है और इसका कोई हाई, मैं इसका फ्लैट ओवर हेड फोटोग्राफी कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही अच्छा हाईलाइट होके आएगा। अभी मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्टर जो मैंने पहले बताया था वो मैं यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मेरे ये वाली साइड डार्कनेस आ गई है बिकॉज ऑलरेडी टाइम हो चुका है थोड़ा सा अंधेरा होने का, इसलिए मैं रिफ्लेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी लाइट आ जाए इसलिए। और आप ट्राई करेंगे जो आपका जो प्रॉप है, जो मेरा अभी ये मुखवास वाला बॉक्स है वो आप पूरा ना दिखाएं क्योंकि उसका आपका थोड़ा सा एज दिखा देंगे, दैट विल ऑल्सो डू द वर्क, और उतना ही दिखाना है, पूरा दिखाएंगे तो आपका जो मेन जो अभी मेरा मालपुआ है वो इतना हाईलाइट होके नहीं आएगा। ओके, तो मैंने फोटो क्लिक कर लिया, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इफ यू कैन सी मैंने यहाँ पे क्लॉथ यूज़ किया हुआ है। अभी मैं इसको एडिट करूँगा तो मैं इतना पोर्शन कट कर लूँगा क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मेरा जो प्रॉप्स है वो नहीं दिखाना है, और क्योंकि मेरा प्रोडक्ट है यानी कि ये मालपुआ वो इतना ही दिखाना है, तो मैं इतना कट कर दूंगा और देख सकते कितना अच्छा ब्यूटीफुल कलर पिक्चर आया है। एंड अगेन रोजेस, रोज पेटल एंड दिस पिंक कलर इज रियली लुकिंग गुड, एंड आई होप ये आपको अच्छा लग रहा हो ये सेशन। ये दूसरा ही मैंने हल्का सा लाइट सॉरी डार्क शेड के अंदर यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं आप ऐसे इस तरीके से क्लॉथ का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज अब ये इंडियनाइज था तो मैंने ये वाले क्लॉथ का यूज़ किया बिकॉज इसके अंदर गोल्डन टच है। अगर आपके पास इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ता या कुछ भी वेस्टर्न डिश वगैरह का यूज़ कर रहे तो आप डेफिनेटली जो डस्टर्स आते हैं कोई भी, आप कोई भी ब्राइट कलर के डस्टर्स वगैरह आप भी यूज़ कर सकते, वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड या दिस वन इज़ द पिक, मैंने ओवर हेड फोटोग्राफी इस मालपुए की कर ली है, आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से थोड़े बहुत चेंजेस किए थे तो आपको दिख जाएंगे थोड़े बहुत चेंजेस, बट या दिस इज़ द बेसिक फोटो ओवर हेड फोटोग्राफी का। एंड अभी वी आर चेंजिंग अवर होल सेटअप फॉर अवर स्ट्रॉबेरी सोडा, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ वो कैसे करना है।
टिल देन आपको कोई भी डाउट्स या कुछ हो तो आप डेफ पूछ लीजिए, तो मैं आपको आंसर्स दे दूंगा। अभी हम स्ट्रॉबेरी सोडा यूज़ कर रहे हैं फोटो के लिए, तो इसके लिए अब हम ये डार्क ब्लू वाला यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ हमारा जो सोडा होगा वो पिंकिश कलर का होगा, तो इसके बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छा लगेगा। और एल्स हम लोग इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं, दिस वन वुड लुक मोर बेटर। तो ये वाला बैकड्रॉप यूज़ कर लेते हैं, और नीचे हम लोग वुडन का बेस दे रहे हैं, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। पहले मैं ये बैकड्रॉप हमारा जुगाड़ू तरीके से मैं इसको चिपका देता हूँ। देवी का ये वाला जो पर ये वाला, इसके अंदर मैंने ग्रीनिश कलर का यूज़ किया है, बिकॉज मुझे ये वाला जो आप देख सकते हैं ये वाला बैकड्रॉप, इसके अंदर ग्रीनिश कलर के कहीं कहीं पे स्पॉट्स है। और एल्स मैंने जो दूसरा वाला दूसरा वाला बैकड्रॉप था उसके अंदर मैंने ब्राउन कलर का चार्ट पेपर यूज़ किया हुआ है, सॉरी ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर से उसके बैकड्रॉप में बहुत ही अच्छा डार्क शेड आ जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। सो ये मेरा बैकड्रॉप लग चुका है, एंड अभी मैं इसका बेस लगा देता हूँ। ये देवी का ये एक्रेलिक कलर्स है, ये ऑयल कलर्स भी नहीं है, ये एक्रेलिक कलर्स है। इसके ऊपर आप पानी भी गिर जाएगा तो ये बिगड़ेगा नहीं बिल्कुल भी, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब हम इसके ऊपर वुडन बेस यूज़ करें, तो मैंने मेरे पास वुडन की टेक्सचर वाली टाइल थी जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में दिखाई थी, तो अभी मैं वो लगा रहा हूँ। तो ये मेरा बेसिक फ्रेम बन चुका है, बैकड्रॉप है मेरे पास, बेस है, और अभी हम फोटो क्लिक कर लेते हैं सोडा की। जस्ट गिव अस 2 मिनट्स, क्योंकि सोडा अभी बन रहा है एक्चुअली, तो इसलिए।
सर सोडा फिजी इफेक्ट, फिज इफेक्ट आ सकता है, बट अब आपको वो फोटो है बहुत ही ज्यादा नजदीक से लेना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पे सोडा को बिल्कुल भी मिक्स नहीं किया है, सोडा वाटर अलग है और जो मेरा स्ट्रॉबेरी का फ्लेवरिंग है वो नीचे बैठा हुआ है। रीज़न बिंग मैंने ऐसे क्लिक किया है बिकॉज पहले मुझे ऐसे प्लेन ऐसे अलग क्लिक कर लेना है, उसके बाद में एक बार स्टर करके उसका वापस से क्लिक करूँगा तभी वो पूरा पिंक कलर का हो जाएगा। यहाँ पे मैं प्रॉप के तरीके से ये जो सूत्री है जो धागा होता है आई डोंट नो व्हाट डू यू कॉल इट यूज कर रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा मैच हो रहा है इसके साथ। और बेस में मैंने यहाँ पे एक लकड़े का टुकड़ा रखा हुआ है, रेक्टेंगल पीस है, उसके ऊपर मैंने दो ग्लासेस रख दिया है एंड अगेन दिस वन इज आई एम यूजिंग एज अ थर्ड ग्लास क्योंकि मुझे थोड़े से वेरिएशन दिखाने हैं ग्लासेस में इसलिए। एंड दिस इज अगेन आवर प्रॉप, इसको मैंने रैंडमली ऐसे छोड़ दिया। अभी मैं इसका एक पिक क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद आप हम देखते हैं कि कौन सा क्या चीज़ सेट होता है। आप जब भी आइस वाला फोटो क्लिक करेंगे आप ट्राई करें थोड़ा सा जल्दी यूज फोटो क्लिक करें बिकॉज आइस हुए वो मेल्ट होना चालू हो जाएगा ऑलरेडी। आप देख सकते हैं ये वाला पिक ये बहुत ही अच्छा पिक आया। अभी मुझे थोड़े से वे चेंजेस करने हैं बिकॉज ये थोड़ा सा फुदीना वाला ग्लास वो इतना अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं दूसरा पिक क्लिक कर लेता हूँ। अगेन अभी ब्राइटनेस मैंने थोड़ी सी कम की आप देख सकते हैं एंड अभी मुझे इसके अंदर लेयर्स दिखाने तो मैं थोड़ा सा नीचे से क्लिक कर रहा हूँ। एंड अभी ये वाला हमने बिना स्टर करे बनाया था, अभी एक बार स्टर करके भी एक बार फोटो क्लिक कर लेते हैं। एंड मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैं ब्लैक स्ट्रॉ ऐड कर रहा हूँ।
और थोड़े से आइस क्यूब्स। एंड अभी हम लोग इसका जल्दी से फोटो क्लिक कर लेते तो उसका, ताकि आइस कैप्चर हो जाए। ओके, तो ये फोटो क्लिक हो गया है एंड दिस इज इट। सो ये मैंने बिना स्टर करके लिया था एंड ये मैंने स्टर करके लिया, आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो दिस इज रियली गुड ट्रिक, आप पहले स्टर करके बिना ले और उसके बाद लास्ट में स्टर कर ले तो आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे बहुत सारे पिक्चर्स के। सो या दैट वॉज इट, हमने चार फोटोग्राफी कंप्लीट डिफरेंट एंगल्स से भी मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है। आपको कुछ भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, फूड फोटोग्राफी के लिए मैं आपको सारे आंसर्स दे दूंगा। बैकग्राउंड पेपर इलस्ट्रेट सम बीच इफेक्ट, यस। इसलिए मैंने ब्लू वाला इसलिए यूज़ किया बिकॉज जो सोडा है वो थोड़ा सा कॉकटेल मॉकटेलिश है, तो बीच वाला थीम मैच करने के लिए। इस वाले पिक्चर में आप जो आपके पास सैंड होता है, जो रेती आती है, वो भी आप डाल सकते हो, पूरा बीच वाला थीम आएगा। उसके ऊपर रेती का ढेर कर दीजिए, उसके ऊपर थोड़े से अगर आपके पास शेल्स हैं तो वो भी रख के आप फोटो क्लिक कर सकते हो, उसके ऊपर ग्लास रखे तो वो भी बहुत ही अच्छा पिक्चर आएगा। सो आई होप दैट सबको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि फूड फोटोग्राफी कैसे करते, कौन सा एंगल यूज करते, कौन सी लाइटिंग यूज करते हैं, कौन सा बैकड्रॉप यूज कर सकते हैं आप कौन सी चीज़ के लिए। एंड या दैट्स ऑल, एंड फॉर ऑल दोज जो पूछ, मेरा यूट्यूब का पेज चैनल क्या है, तो इट इज़ लाइक रैलिश फूड्स विथ रौनक, रैलिश फूड विथ रौनक, तो वो एक यूट्यूब का पेज है मेरा, यूट्यूब चैनल है सॉरी। एंड दैट बाय द सेम नेम मेरा इंस्टा पेज भी है ऑन इंस्टाग्राम, इट इज अगेन द सेम रैलिश फूड विद रौनक। एंड या सो वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू सो मच प्रीति टिप्स फॉर एडिटिंग। सो आई एडिट ऑल माई पिक्स ऑन स्नैपसीड, तो स्नैपसीड इज एन ऐप ऑन, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव सॉरी बहुत ही अच्छा एक एडिटिंग फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है, गूगल पे आपको इजीली मिल जाएगा स्नैपसीड, और उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। मैं अभी दिखा पूरा एक आपको पिक्चर एडिट करके दिखा रहा था, वरना पूरा सेशन बहुत ही लंबा हो जाता। बट आप वो स्नैपसीड SNAPSEED तो आप गूगल पे डालेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे, तो आपको इजीली मिल जाएगा स्नैपसीड करके एप्लीकेशन। उसके अंदर आप सारे एडजस्टमेंट, आप उसका ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, सेचुरेशन बढ़ा सकते हैं, और प्रोडक्ट के ऊपर फोकल पॉइंट भी बढ़ा सकते हैं, आप इमेज को एक्सपांड कर सकते हैं, इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर है। अगेन दैट इफ एडिटिंग विल बी रियली इफेक्टिव ऑन योर प्रोडक्ट, और एडिटिंग आई गेस मेरे ख्याल से आपको चाहिए नो डाउट, बिकॉज जो आपका नेचुरल लाइटिंग होगा, जो आपने नेचुरल लाइटिंग में पिक्चर क्लिक किया होगा वो ऑफकोर्स अच्छा आएगा। बट उसमें होगा क्या कि उसके अंदर बेसिक जो डिटेल्स होती है वो नेचुरल लाइट से नहीं आएगी जितना वो एडिटिंग से आएगी, तो आपको आप एडिटिंग जरूर यूज करिए। स्नैपसीड इज द एप्लीकेशन दैट आई एम यूजिंग एज ऑफ नाउ। प्रिंटेड ग्लासेस शुडंट बी यूज राइट, यस बिजल, प्रिंटेड ग्लासेस आप जितना ट्राई करें उतना अवॉइड करिए, बिकॉज प्रिंटेड ग्लासेस में होगा क्या,
अगेन इफ आई टॉक अबाउट दिस प्लेन ग्लास, तो ये प्लेन है तो मेरा प्रोडक्ट क्या है वो पूरा दिख रहा है इसके अंदर, प्रिंटेड होगा तो दिखेगा भी नहीं अगेन, एंड वो इतना अच्छा भी नहीं लगेगा फोटोग्राफी के अंदर. एंड अगेन अभी इफ यू आर प्लानिंग टू बाई सम न्यू क्रॉकरी और ग्लासवेयर्स, गो फॉर द प्लेन बेसिक कलर्स. ग्लासवेयर तो आप डेफिनेटली हमेशा हमेशा कभी भी आप बाई करें तो आप प्लेन बेसिक ले, प्रिंटेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं, प्रिंटेड का ज़माना गया एक्चुअली. तो आप बेसिक प्लेन टेक्सचर, बिना टेक्सचर के एंड बिना प्रिंट वाले ग्लासवेयर यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा दिखेगा एंड वो ज़्यादा आपका क्वालिटी ऑफ द पिक्चर विल बी ऑल्सो रियली गुड. देविका, आई एम प्लानिंग टू मेक अ रेसिपी सून ऑन यूट्यूब फॉर माई यूट्यूब चैनल, तो आई विल बी पोस्टिंग इन माई दिस FB पेज इट्सेल्फ, तो आप देख सकते हैं. वंस आई विल पोस्ट दैट तो आपको नोटिफिकेशन में भी शायद तक आ जाएगा, ऑल्स यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑफकोर्स, तो आपको वहाँ से भी वीडियोज सारे मिल जाएंगे. एंड मैंने यूट्यूब पर अप्रॉक्स अभी तक मैंने 14 to 15 वीडियो रेसिपीज डाल चुकी है, एंड तो आप वो भी जाके सीख सकते हैं, देख सकते हैं. एंड यू कैन ऑफकोर्स सब्सक्राइब माई चैनल में रैलिश फूड विथ रौनक, तो आप ज़रूर जाके सब्सक्राइब करेगा एंड यू विल गेट दिस रियली गुड एंड टेस्टी फूड रेसिपीज, जो ऑफकोर्स गारंटेड बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है बिकॉज इट हैज़ बीन ट्रायल एंड टेस्टेड एक्चुअली. तो या विजय दी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग इतना पेशेंस होने के लिए, बिकॉज दिस प्रोसेस हैज़ बीन ऑलमोस्ट लाइक 2.5 hours, इतना लंबा सेशन, ऑडियंस वॉज रियली गुड एंड या थैंक यू सो मच. श्रेया मेथ, वॉट इज दिस फॉर, वॉट आर यू आस्किंग अबाउट? ओके, हाउ डू आई शूट रेसिपी, तो मैं अभी जनरली मेरे फ़ोन से ही फोटो मतलब फ़ोन से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ. आई हैव गॉट दिस ट्राईपॉड जहाँ पे अभी मेरा फ़ोन लगा हुआ है, तो मैं फ़ोन को ट्राईपॉड के ऊपर लगा के मैं फोटो वीडियोस शूट कर लेता हूँ, इतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं है तो ईजिली हो जाएगा. श्रेया मेहता, दिस लाइव वीडियो, दिस होल सेशन वॉज फॉर फूड फोटोग्राफी एंड फूड स्टाइलिंग, सो ये सेशन अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है एंड या थैंक यू सो मच चांदनी. सो आई होप दैट सबकी डाउट्स वगैरह क्लियर अप हो गई होगी. अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड ऑल, तो आप अभी पूछ लीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल ऑफ देम एंड या दैट्स ऑल. आई होप दैट सबकी डाउट्स वगैरह क्लियर हो गई है. सो या थैंक यू सो मच फॉर गिविंग रिस्पॉन्स, ऑडियंस वॉज रियली नाइस एंड आप इतने पेशेंस रहे कि मतलब 2 घंटे का पूरा सेशन कवरअप किया. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच एन अमेजिंग लव एंड रिस्पॉन्स. सो आई होप दैट आई विल बी डूइंग सम मोर सेशंस विद कुकपैड लाइव एंड maybe we'll be shooting or maybe we'll do something live recipes and also I will plan up soon. So yeah, Shreya, I guess I'll be saving this video on this cookpad application, so aap uske andar jaake wapas ye pura video dekh payenge, so it would be really helpful to you. Again agar aapne pura video session miss kar diya, then you can definitely go and watch this. It is an informative session. So I hope that everyone was able to clear the doubts. आपके doubts सारे clear हो गए हैं and so thank you guys for giving such an amazing response and so thank you. Bye bye, take care and happy cooking.